So welcome students for the session. आज की session students NRI taxation, transfer pricing इस context में आज की section conduct करवाई जाएंगी. Students आज first of all थोड़ा delay हुआ है, थोड़ा सा क्षमा करना. उसमें एक वजह है, आज actually क्या है, मैं transfer pricing के लिए अपनी charts आपको दूंगा. तो primarily क्या था कि अब ये चार्ट्स में कॉपीराइट है भारत लॉ उसका, तो मुझे उनसे परमिशन लेनी थी. तो अनफॉर्चुनेटली वो सुबह को फ़ोन उठा नहीं रहे थे और उठे नहीं होंगे. तो जब मेरी कनेक्ट हुई, बात हुई किसी तरह से उनसे, तो मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए स्टूडेंट्स, मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जो हमारे चार्ट्स हैं वो प्राइमरी क्या है, मैंने परमिशन ले ली है ताकि वो चार्ट्स प्राइमरी आपको दे दिया जाए. तो उससे होगा क्या ना कि आपका एक पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर वो चार्ट के थ्रू से कंप्लीट हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से. प्रैक्टिकल्स जहाँ तक मैंने बता भी दिया आप लोगों को, MTP 1 में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, तो वो प्रैक्टिकल लेवल पे काम आएगा. और हम लोग कोशिश करेंगे कि MTP 1 मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो हमारा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने करवा दूँ. ठीक है, तो एक बार आप लोग कन्फर्म करवा दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स. आप लोगों को स्टूडेंट्स ये PDF जो है ना, PDF वो ग्रुप में दिलवा दी गई है. ग्रुप में आप सभी लोगों को ये दिलवा दी गई है. आप लोग प्लीज़ अपने ग्रुप देख लीजिएगा, सेंड करवा दिया गया है. आप एक बार कंफर्म करवा दीजिएगा स्टूडेंट. सारे लोग आ गए सब लोग, और एक बार PDF मिल गई है, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताएंगे स्टूडेंट्स, तभी मैं चालू करता हूँ. तो क्या बाद में दिक्कत ना हो जाए. कहां पर है सर PDF? मैंने PDF दे दिया है, सब स्टूडेंट्स बता दो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूं. PDF ग्रुप में ये सतारा का हमने डाल दिया है. गुड मॉर्निंग, PDF मिला है सब लोगों को? कंफर्म कर दो स्टूडेंट जल्दी से. सारे स्टूडेंट्स कंफर्म कर दिए. ट्रांसफर प्राइसिंग की PDF है भाई, ट्रांसफर प्राइसिंग की PDF. आज की क्लास में हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग की PDF इस्तेमाल करेंगे. स्टूडेंट्स सबसे पहले एक बार कंफर्म कर लें आप सभी लोग. नहीं अगर होगा तो मैं, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देता हूं, तो आप वहां से भी अगर चाहिए तो देख लेना. ठीक है, अगर बाई चांस नहीं मिला रहेगा तो प्लीज़ वहाँ से कलेक्ट कर लेना, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दिया है. ठीक है, तो फिर चलिए प्राइमली अब चालू करते हैं स्टूडेंट्स. पहले हम लोग स्टूडेंट्स करेंगे जो मैंने कल आपको बताया था, NRI टैक्सेशन है, टैक्सेशन ऑफ ADR, GDR और टैक्सेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ये तीन कैटेगरी है स्टूडेंट जो अभी हमें करना है. सो लेट्स फोकस ऑन दीज थ्री पर्टिकुलर पार्ट एज फार एज आर डिस्कशन इज कंसर्न. ये तीन चीज को लेके चलिए चालू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, ग्रुप में दे दिया गया है सभी स्टूडेंट्स लोगों को, और अगर नहीं बाय चांस किसी को मिला होगा तो आप टेलीग्राम चैनल में मैंने
डलवा दिया, तो आप वहां से देख लें। सब लोग को मिल गया है चार्ट, अब डाल दिया है, डाल दिया है, मैंने अपने टेलीग्राम में भी डाल दिया है सब लोगों को। अगर मिल चुका है तो चलो ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, 5 पेज का है, ये एक बड़ी चार्ट है, वो मैंने डलवा दी है। और अब प्राइमरी, उसके ज़रिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी ट्रांसफर प्राइसिंग को अल्टीमेटली अंजाम देंगे। प्लस मैंने जैसे कहा ना कि एम टी पी वन सारे स्टूडेंट्स के पास है, और यही MTP1 के कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। अब पहले तो एनआरआई टैक्सेशन में आ जाओ स्टूडेंट्स। एनआरआई टैक्सेशन, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट आप सभी को पता है, इस कॉन्टेक्स्ट में टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन, इनको स्टूडेंट्स क्या है, एक चैप्टर है एनआरआई में, ध्यान रखना, देयर इज वन स्पेसिफिक चैप्टर 12A, एक ऑप्शनल स्कीम है इनके पास कि अगर वो चाहें तो उनकी टैक्सेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑप्शनल स्कीम अंडर चैप्टर 12A। स्कीम है क्या ये स्टूडेंट्स, उस जमाने की बात है जब इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स का बहुत ही बड़ा, लेट 80s की बात है ये, तब फॉरेन रिजर्व इंडिया में काफी बहुत ही कम रह गए थे। सो इंडिया वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, वो लेवल सिचुएशन हमारी कंट्री की बन चुकी थी। और तभी गवर्नमेंट ने एक लास्ट रिकोर्स किया था कि जो हमारे इंडिया के जो बाहर जो संपन्न जो भी नागरिक थे, जो बाहर सेटल हो गए थे, उनसे निवेदन किया था किस बात को लेके, कि आप क्या करें, इन्वेस्ट करें इंडिया में बाय यूटिलाइजिंग द फॉरेन करेंसी। और इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, प्राइमरली द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इसके लिए क्योंकि ऑब्वियसली लिक्विडिटी की बात होती है कि लिक्विड होना चाहिए। रियल एस्टेट तो एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, फेमा में काफी इसका ये देखा जाता है, और रियल एस्टेट में देगा भी नहीं क्योंकि हमें पता नहीं है कि पर्दे के पीछे है कौन। इसी वजह से वो सिक्योरिटी लेवल पे चांस ले सकती है, लेकिन रियल एस्टेट जमीन पे गवर्नमेंट प्राइमरी वो चांस नहीं ले सकती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का भी केस था, इस वजह से उन्होंने इजाजत दिया है अपने ही सारे लोगों को, इंडिया के बाहर जो थे एनआरआई जो थे, क्या उन्होंने उनको इजाजत दिया कि आप फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके इन्वेस्ट कीजिए इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो हमें देखना है स्टूडेंट्स। उसको देखने के पहले मैं पहले आपको एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स, देर आर कैपिटल गेन्स का इसमें कुछ इंप्लीकेशंस बनता है। कैपिटल गेन्स में दो प्रोविजो है, मैं इसमें ध्यान रखना, देर आर 48, सेक्शन 48 है जो कहता है, कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन है 48, और ये जो है सेक्शन 48 ये है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉम्प्यूटेशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। कॉम्प्यूटेशन किसका, ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इसके अंदर स्टूडेंट्स देर आर टू प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो एंड द सेकेंड प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो एंड द सेकेंड प्रोविजो, दो प्रोविजो है स्टूडेंट्स यहां पे। आप सभी लोग बताएंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास अभी शुरू हुई है, यही है कि मैंने बताया ना कि बता रहा हूँ वही था कि आज मुझे PDF का परमिशन लेना था भारत लाहौर से ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, तो बस वही परमिशन लेने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया क्योंकि वो 8:30 को वो उठे नहीं थे और 9:10 को ही वो कनेक्ट हुए और मैंने उनसे परमिशन लिया, नहीं तो थोड़ा सा क्या हो जाता था, उतना सारा थियोरी मैं लिखवा नहीं सकता था, आप भी समझ सकते हो इतना। चलो कल वाला तो बहुत क्रिटिकल था, नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन आप भी मानते हो कि लिख लिख के वो चीज़ें रजिस्टर हो गई है, लेकिन इसमें तो थोड़ा बहुत थियोरी भी बहुत है स्टूडेंट्स, और वो सब मैं लिखवा नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि डेफिनेटली PDF अगर होगा, वो जो चार्ट हमारी है जिसके अंदर सारी थियोरी प्रोविजंस कवर्ड है, तो बात बन जाएगी, आज का सेशन सफल हो जाएगा। तो उसी वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हो गई। और दूसरी बात जो है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए तो MTP1 हमारा है ही है, तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी है जो मुझे आपके साथ करवाना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सभी लोगों को PDF मिल चुका है, आज ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्ट आपको सभी लोग को मिल चुका है, मैंने दिलवा दिया आप लोगों को। बाई चांस कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्ट नहीं मिला होगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने डलवा दिया, आप देख लेना। आइए स्टूडेंट्स, अब ये एनआरआई वालों को ये दो प्रोविजो है, देर आर टू प्रोविजो स्टूडेंट्स,
ठीक है, दो प्रोविजो है स्टूडेंट्स एनआरआई वालों के लिए, एनआरआई वालों को नहीं, पहले मैं आपको दो प्रोविजो के बारे में बता दूं, फिर एनआरआई के बारे में मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 48 कहता है कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, सेक्शन 48 है। सेक्शन 50 है कैपिटल गेंस के अंदर कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिप्रिशिएबल एसेट, ये 50 का सेक्शन है। तो सीजी जो डिप्रिशिएबल एसेट होगा उसकी कॉम्पिटिशन 50, नॉन डिप्रिशिएबल एसेट होगा उसकी कॉम्पिटिशन 48, और जो स्लम सेल है उसकी कॉम्पिटिशन जो होती है वो 50B में होती है। तो तीन कॉम्पिटिशन प्रोविजन है किसके अंदर, अंडर द हेड कैपिटल गेंस। उसमें 48 में अगर हम देखें, क्योंकि शेयर्स और सिक्योरिटी 48 का कॉम्पिटिशन का मुद्दा बनेगा बीइंग अ नॉन डिप्रिशिएबल एसेट, इजंट इट। उसमें दो प्रोविजो है, प्रोविजो वन एंड प्रोविजो टू, क्या आप मुझे टाइप करके बता सकते हैं ये दो प्रोविजो क्या है? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी अभी शुरू हुई है तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप सभी लोग मुझे ये दो प्रोविजो बता दें। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स को मिल गया ना पीडीएफ ट्रांसफर प्राइसिंग की? ठीक है, बिल्कुल, दीक्षिता ने आंसर देना शुरू कर दिया है फर्स्ट प्रोवाइजो और सेकंड प्रोवाइजो को लेके, आंसर का सिलसिला जारी रहना चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या है और सेकंड प्रोवाइजो क्या है? तो सेकंड प्रोवाइजो बात आप लोग ने बहुत सही कही है कि इंडेक्सेशन वाली जो बात होती है वो सेकंड प्रोवाइजो में लिखी जाती है। बिल्कुल सही कहा आप सभी लोगों ने, इंडेक्सेशन की बात सेकंड प्रोवाइजो में रखी जाती है। और देखिए मालती ने भी राम ने भी ये कह दिया है कि फर्स्ट प्रोवाइजो में हमें क्या करना होता है, व्हाट वी आर सपोज टू डू इन फर्स्ट प्रोवाइजो, एक्सचेंज रेट कन्वर्जन, मतलब कि जो कन्वर्जन और रिकन्वर्जन वाला कंसेप्ट पता होगा सभी लोगों को, कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन वाला कंसेप्ट। अब लोग ये क्या है कंसेप्ट, होपफुली सभी लोगों को पता है फर्स्ट प्रोवाइजो में, बिल्कुल साई बाबा ने भी कह दिया क्या कि क्या होता है फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर, कि आप इन एक कोई भी नॉन रेसिडेंट अगर फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इन द द शेयर्स इन द शेयर्स एंड द डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि आपने आपने क्या करना है, उसको उस पर्टिकुलर कैपिटल गेंस कॉम्पिटिशन में सारे जो अमाउंट है पहले आप उसे कन्वर्ट करें इंटू फॉरेन करेंसी। तो कैपिटल गेन्स जो कैलकुलेशन होगा उस कैलकुलेशन में आपको सारे के सारे INR के अमाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू फॉरेन करेंसी। INR का अमाउंट जो होगा ना कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन में, उसे आप कन्वर्ट करें इनटू फॉरेन करेंसी। कैसे करना है कन्वर्जन, वहां पे आपको टीटी बाइंग रेट दिया जाता है, टीटी बाइंग रेट एंड टीटी सेलिंग रेट, उसका एवरेज कुछ लेना है। तो वो एक कंसेप्ट है फर्स्ट प्रोवाइजो के अंदर, और फिर बाद में जैसे आप कन्वर्ट करते हो तो कैपिटल गेंस का जो फाइनल अमाउंट आएगा वो आएगा आपको किस में आएगा, इन द फॉरेन करेंसी, क्योंकि आपने कन्वर्ट कर दिया था रुपी को इनटू फॉरेन करेंसी। सो देयरफॉर फाइनली जो कैपिटल गेंस अमाउंट आएगा, दैट कैपिटल गेंस अमाउंट विल बी द फाइनली वुड बी इन द फॉरेन करेंसी। तो वो जो कैपिटल गेंस आपको अमाउंट आया है इन द फॉरेन करेंसी, फिर आप उसको आगे क्या करेंगे, रिकन्वर्ट करेंगे इनटू इंडियन रुपीज। उसके लिए टीटी बाइंग रेट आपको अप्लाई करना पड़ता है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो कहने का मतलब है कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन करके आपने क्या करनी है, कैपिटल गेंस अपनी कैलकुलेट करनी है। यह है आपका फर्स्ट प्रोविजो, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके क्या करेगा, वो अगर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी को अगर एक्वायर करेगा, तो उस केस में जब वो उस सिक्योरिटी को ट्रांसफर करेगा तब कैपिटल गेंस की कंपटीशन की जाएगी एज पर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्रोविजो जो हमें पता ही है, नॉर्मल जो इंडेक्सेशन वाला कंसेप्ट है वो है सेकंड प्रोविजो। तो ये दो चीजें इसके लिए स्टूडेंट जरूरी है, क्योंकि आज जो हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं, पहले एनआरआई, उसके बाद एडीआर जीडीआर, और फाइनली एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तीनों में ये दोनों चीज आपको जानना जरूरी है। तो ये इसकी नॉलेज होनी जरूरी है, तब जाके आगे कुछ कार्रवाई का कोई रेलेवेंस बनता है। तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे
एक बार आपने ये चीज कर लिया, अब देखो क्या होगा। एनआरआई जहां तक है, कोई भी एक नॉन रेसिडेंट इंडियन पकड़ लो, एनआरआई एनआरआई वुड बी, अगर वो फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके, एनआरआई क्या कर रहा है, फॉरेन करेंसी को इस्तेमाल करके वो अक्वायर करता है स्पेसिफाइड एसेट, अक्वायर किया उसने स्पेसिफाइड एसेट। अभी स्पेसिफाइड एसेट क्या है, आप सभी लोग को पता होगा, यहाँ पे शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, शेयर्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट ऑफ द इंडियन कंपनी, शेयर्स डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट ऑफ द इंडियन कंपनी, ठीक है। और दूसरा आपका है यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये आपका है स्पेसिफाइड एसेट, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप वन है आपका। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट में स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि सब्सिक्वेंटली वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। सब्सिक्वेंट अगर सब्सिक्वेंटली क्या है, इनकम आएगी, और जो इनकम है यहां पे ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको हम लोग रखेंगे इनटू टू कॉन्टेक्स्ट। एक तो है एलटीसीजी, और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट इनकम। जो एलटीसीजी आएगा ऑन द स्पेसिफाइड एसेट, इनकम ऑन स्पेसिफाइड एसेट, मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इनकम ऑन स्पेसिफाइड एसेट, ये स्पेसिफाइड एसेट की बात हो रही है, ध्यान रखना, बाकी वाले नहीं, क्योंकि स्पेसिफाइड एसेट पे स्पेशल टैक्स रेट। तो स्पेशल टैक्स रेट क्या है इसका, स्पेशल टैक्स रेट जो बनेगा तो वो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 10%, और यहाँ पे इसकी स्पेशल टैक्स रेट जो बनेगी 20%। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करेंगे आप सभी लोग, स्पेशल कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस, ये तो आप सभी लोग को पता है। और यहां पे ये जो एलटीसीजी जो कंप्यूट होगा, इस पे एज पर व्हाट, फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, एलटीसीजी जो कंप्यूट की जाएगी वो की जाएगी एज पर व्हाट, द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। तो ये स्टूडेंट्स इसका कॉम्पिटिशन का सिलसिला होगा, तो कॉम्पिटिशन करने का जो मेथड है दैट वुड बी एज पर द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48। तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो स्पेशल टैक्स रेट है 10% का, इन्वेस्टमेंट इनकम जो होगा लाइक इंटरेस्ट प्राइमरी जो उसको मिलेगा उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो 20% का होगा। जहां तक ये स्पेशल टैक्स रेट की अगर हम बात करें, तो वहां पे स्पेशल टैक्स रेट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई डिडक्शन एक्सपेंडिचर का मिलेगा नहीं। ये तो हमें वैसे भी पता ही है कि कोई भी एक्सपेंडिचर का कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगा है, ये तो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ देखना स्टूडेंट्स यहाँ पे केयरफुल रहना। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सबसे खास बात, आईसीआई देखो फर्स्ट प्रोविजो लगता है अंडर सेक्शन 48, आईसीआई ने दो बार क्वेश्चन पूछा है, दो बार पूछा है, और दोनों ही बार आप लोग ध्यान रखेंगे आईसीआई ने क्या किया है, उन्होंने फर्स्ट प्रोविजो का जो डेटा हो मिलना चाहिए वो दिया ही नहीं उन्होंने क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रोविजो में क्या डेटा होना चाहिए, जैसे कि मालूम है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो सेलिंग प्राइस है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसके लिए हमें चाहिए होता है टीटी बाइंग रेट एंड टीटी सेलिंग रेट,
एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, क्योंकि हमें उसका एवरेज लेना है और उस एवरेज के बेसिस पे उसको कन्वर्ट कर देना इनटू फॉरेन करेंसी। वही हाल एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर का भी होता है, उसकी भी कन्वर्जन इसी तरीके से है। फिर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए मुझे चाहिए होता है टीटी बाइंग रेट एंड टीटी सेलिंग रेट एज ऑन द डेट ऑफ परचेज, क्योंकि उसका एवरेज के बदौलत मुझे क्या करना है, मुझे उसको कन्वर्ट कर देना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इन फॉरेन करेंसी, और फिर बाद में मुझे कैपिटल गेंस आएगा इन फॉरेन करेंसी, और फिर वो कैपिटल गेंस को मैं रिकन्वर्ट कर दूंगा इन INR। INR को रिकन्वर्ट करने के लिए TT बाइंग रेट चाहिए होता है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो कि पहले दिया जाना चाहिए। तो मुझे TT बाइंग रेट और सेलिंग रेट दो डेट का चाहिए, और वो दो डेट है डेट ऑफ ट्रांसफर एंड डेट ऑफ परचेज। अनफॉर्चुनेटली ये दो डेट के आपको मिलेंगे ही नहीं, ये दोनों ही डेट के स्टूडेंट आपको मिलेंगे नहीं। अब क्योंकि आपको ये मिलना नहीं है, अब दिक्कत तो आने वाली है क्योंकि आपको तो दे नहीं रहे वो चीज़। तो फिर ऐसे केस में बताओ स्टूडेंट्स क्या किया जाए, वॉट इज दैट वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस रिगार्ड। तो स्टूडेंट्स उसमें आपको अज्यूम करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में भी लिख कर आना स्टूडेंट्स आप ये चीज़ एग्जामिनेशन में क्या लिखोगे कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो कैपिटल गेंस है TT बाइंग रेट और उसका इफेक्ट हो चुका है। अब क्या कर सकते हैं, डेटा दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज मेक एन अजम्पशन बिकॉज दिस इज अ लूप होल इन द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर वो देते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेटली आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनता है इस कॉन्टेक्स्ट में। फाइन पीयूष, नवंबर 18 में लेकिन वो दिया था उन्होंने नवंबर 18 के क्वेश्चन में। आइए स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के पास MTP होगा। अब MTP का एक क्वेश्चन करवा दूं आपको इसी पॉइंट को लेके, बताइए अगर मन होगा तो। चलिए मैं आपको एक MTP का क्वेश्चन करवा ही देता हूं, बताओ प्रैक्टिकल कर ले। MTP आइए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एक कर लिया जाए। आप बोलोगे सर कौन से MTP का आप करवा रहे हो, वो भी मैं बता ही देता हूं आपको। ये स्टूडेंट्स आपका MTP 3, MTP 3 का बेहतरीन क्वेश्चन, उसको मैंने थोड़ा ट्विस्ट किया, अमेंडमेंट को इसके अंदर कैप्चर मैंने करवा दिया है, अमेंडमेंट के साथ मैंने इसको कैप्चर करवा दिया है। तो ये अमेंडमेंट के साथ जो मैंने कैप्चर किया है, अभी भी बता रहा हूँ MTPs आप सभी लोगों को ग्रुप में डाल दी गई है। नहीं जिन्होंने MTP मिली होगी तो भाई बस मैंने टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल दिया है, ठीक है। आइए 15 तारीख को मैं इसका सोल्यूशन जारी करने वाला हूँ, अब बस कुछ ही दिनों की बात रह गई है। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको अभी एक सॉल्व करवा देता हूँ जल्द से जल्द, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ही है, थियरी थियरी इसका कुछ आता नहीं है। आइए जल्दी से प्रैक्टिकल जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का, इसका है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, वो है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 स्लाइड यहां पे मैं रख देख रहा हूं दे रहा हूं, तो आप यहां पर ही देख लोगे तो भी चल जाएगा। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, इस पे मैंने थोड़ा अमेंडमेंट, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में ताकि आप सभी लोगों को अमेंडमेंट का भी फायदा मिल सके। लेट्स हैव अ लुक। तो स्टूडेंट्स यहां पे नॉन रेसिडेंट इंडियन हैज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कॉम्प्यूट हिज टोटल इनकम एंड डिटरमाइन हिज टैक्स लायबिलिटी। पहला है आपके पास डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो एक नॉन रेसिडेंट इंडियन स्टूडेंट्स डिविडेंड इनकम मिला है 50 लाख, बताइए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्या इसमें 1034 का आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा या नहीं। इसमें मैंने थोड़ा अमेंडमेंट किया है, मतलब ये क्वेश्चन में, ताकि एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है स्टूडेंट्स, मैं इसके अंदर मैंने इसको कैप्चर कर रखा है, बहुत बेहतरीन अमेंडमेंट है और शायद वो आएगा भी, और आपको अगर आता है तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। पहले बताओ स्टूडेंट्स डिविडेंड इनकम का मैं क्या करूं, 1034 में एग्जेम्प्ट है ये सारे स्टूडेंट्स तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या वो 10 लाख का थ्रेशोल्ड का 10 लाख तक का ही एग्जेम्पशन प्राप्त होगा, और उसके बाद जो एक्सेस है उस पर आप 115BBDA का 10% का रेट लगवा दोगे। इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताओ आंसर देना है आप सभी ने।
10 लाख तक की एग्जेम्पशन है और बाद में एक्सेस पे 115 BBDA का टैक्स लगवा दिया जाए? जल्दी बताएंगे आप सभी सारे के सारे स्टूडेंट्स, 50 लाख की है ना डिविडेंड, सारे स्टूडेंट बता दो जल्दी से। 10 लाख तक का एग्जेम्पशन है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, एनआरआई है। दस लाख तक का ही पूरा 50 लाख एग्जेम करूं या फिर सिर्फ और सिर्फ 10 लाख तक का ही एग्जेम्पशन यहां पे जारी किया जाएगा? देखिए सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल है। अगर 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल है, लेट्स हैव अ लुक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। 10 लाख के ऊपर टैक्सेबल है जो कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, आपको मैं एक्ट ही बता देता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ध्यान रखना, ये एनआरआई वाला क्वेश्चन है, आपको इतना हिंट बस मिल जाना चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेटली आपको ये बता वो पता नहीं वो पेज का वो नहीं है, नहीं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे 115 BBDA जो बोल रहे हो ना आप लोग, इसी के सेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। 115 BBDA देखिए स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, अब देखो सब लोगों ने आंसर देना चालू किया, अब सही आंसर आ रहा है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट 115 BBDA वेयर द टोटल इनकम ऑफ अ स्पेसिफाइड SSC जो भी पूरा है रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स, तो इसका मतलब क्या है ये प्रोविजन एप्लीकेबल बताओ किसके हो रहा है, क्या लिखा है? रेसिडेंट इन इंडिया। और ये है मेरा क्वेश्चन में क्या डाला गया है, एनआरआई है। वॉट द एयरफोर डज इट मीन एनआरआई अगर है नॉन रेसिडेंट इंडियन, अगर नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो उन नॉन रेसिडेंट इंडियन को ये पर्टिकुलर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, विच देयरफॉर इंप्लाय कि 1034 में इनको क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। यहां पर आपने एक गलती करनी है, मतलब ये गलती आपसे होना ही था। तो यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना आप लोग, ये प्रोविजन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि यहां पर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये एनआरआई का क्वेश्चन है प्राइमरीली, और इस कॉन्टेक्स्ट में इस पे 1034 का पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, फुल एग्जेम्पशन, ये पूरा एग्जेम्पशन वाला केस है, पूरा का पूरा एग्जेम्पशन है। बिल्कुल सही कहा आपने स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इसमें अभी तो ये एनआरआई है, ये एनआरआई है ना, ये अगर ये फॉरेन कंपनी होता था तो ये ही क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का है, ठीक है? और आप बोलोगे सर फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है, नहीं फॉरेन कंपनी बस बोला गया, रेसिडेंट नहीं है वो, बस फॉरेन कंपनी है, तो आपका आंसर क्या होता? अगर यही क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का अगर होता तो फिर आपका आंसर क्या होता, ये मैं जानना चाहूंगा। देखते हैं आप लोगों की कंसेप्ट कितने क्लियर है, अभी कभी पोल खुल जाएगा।
अगर यही क्वेश्चन फॉरेन कंपनी का होता, ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है, वो पोएम वोएम भूल जाओ, बस ऐसा लिखते हैं फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन है, तो फिर आपका क्वेश्चन तब आपका आंसर क्या रहता, व्हाट इज द आंसर इन दैट केस? क्या तब भी आप यही कहते कि 1034 में पूरा एग्जेम्पशन फॉरेन कंपनी को मिलता? बताओ जल्दी। नहीं, रेसिडेंट रेसिडेंट धीरे नहीं है, रेसिडेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, रेसिडेंट को आप हटा दो ना, मैं कह रहा हूँ ना कि रेसिडेंट को आप बीच में लाओ ही नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में। जल्दी से आंसर स्टूडेंट सभी लोग को एक बार कोशिश करके देना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोल खुलने वाली है इस वजह से। जल्द से जल्द फॉरेन कंपनी क्या है? एक रेसिडेंट, वो भूल जाओ रेसिडेंट नॉन लिखा ही नहीं, बस लिखा है कि इट्स अ फॉरेन कंपनी, मान के चलो ये नॉन रेसिडेंट ही है, ठीक है? तो अगर फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है तो उस कॉन्टेक्स्ट में बताना है आप सभी ने कि क्या उन पे भी पूरा 1034 का एग्जेम्पशन, फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है, और क्या उन पे भी पूरा का पूरा 1034 का एग्जेम्पशन प्राप्त होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैंने दिया है। दिस इज अ पॉइंट। बताओ। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे सुन लीजिए, बहुत लोग गलती करेंगे, और आईसीएआर ने ऐसे ही क्वेश्चन मैट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, मैट में पूछा था स्टूडेंट्स ऐसी टाइप का क्वेश्चन, और उसमें प्लीज ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, फॉरेन कंपनी को अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है से 50 लाख, यही क्वेश्चन है 50 लाख, एनआरआई के बजाय क्या सब्सटीट्यूट कर दूं, एनआरआई के बजाय क्या सब्सटीट्यूट कर दूं, फॉरेन कंपनी। तो प्लीज नोट करना, 1034 जाना है तो जाके पढ़ लीजिए ध्यान से, और फिर कंक्लूड आप करेंगे क्या कि फॉरेन कंपनी के लिए 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनी के लिए, भले ही वो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट है, उसके लिए 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल है। मतलब कि फॉरेन कंपनी को अगर डिविडेंड मिलता है फ्रॉम दी इंडियन कंपनी इन एक्सेस ऑफ 10 लैक्स, तो 10 लैक्स तक एग्जेम्प्ट एक्सेस पोर्शन पे 115 BBDA का 10% का टैक्स रेट लग जाएगा। दिस इज द पोजिशन फॉर हुम, फॉर द फॉरेन कंपनी। तो ये पोजिशनिंग स्टूडेंट्स आप सभी लोग को ध्यान रखना है, 10 लाख तक का ही अमाउंट क्या है एग्जेम्प्ट है, 10 लाख का ही अमाउंट क्या है एग्जेम्प्ट है। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? इंडिविजुअल अगर होगा, इंडिविजुअल अगर है, नॉन रेसिडेंट अगर कोई इंडिविजुअल है, तो फिर उससे क्या है पूरा का पूरा डिविडेंड इनकम क्या होगा एग्जेम्प्ट होगा, पूरा का पूरा डिविडेंड इनकम उनके लिए क्या है एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से आज अभी लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए ना, तो एक बार फिर से ध्यान से 1034 एंड 115 BBDA दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये जो कंक्लूजन जो अभी मैंने ड्रॉ किया है वो कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? डोमेस्टिक कंपनी को मिलेगा तो देखो, डोमेस्टिक कंपनी को तो पूरी वो है, डोमेस्टिक कंपनी की तो बात ही नहीं, ये फॉरेन कंपनी पूरी एग्जेम्प्ट है, मैं डोमेस्टिक कंपनी का ये नहीं है, फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूँ, फॉरेन कंपनी को सिर्फ 10 लाख का ही थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलता है, उसके बियॉन्ड पे नहीं मिलेगा। आप लोग जरूर से स्टूडेंट्स पढ़ना इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में, डोमेस्टिक कंपनी को तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते, आगे बढ़े इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स में। ये वैसे तो ये मुद्दा टॉपिक नहीं है मेरे डिस्कशन में भी फिलहाल, जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा था आपसे IFOSCA वाले पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आज का लेक्चर जैसे कंप्लीट हो जाए आप प्लीज 1034 और ये वाला जो पॉइंट है 115 BBDA दोनों को अच्छे से एक बार देख लें, और जो एक जो नोट जो आप अपने एक नोट निकाल लें कि इसको पूरा एग्जेम्प्ट, इसको 10 लाख का ही एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर टैक्सेबल, इस तरीके से ना आप इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म कंपनी में, फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी, इंडिविजुअल में रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, इस तरीके से क्या करना पूरा एक चार्ट बना देना, और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूड करना कि यहाँ पे इनको 10 लाख तक का एग्जेम्प्ट और बाद में एक्सेस में टैक्सेबल। ये करेंगे स्टूडेंट्स आज का असाइनमेंट आप लोगों का, ठीक है? मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये ट्रिक था यहाँ पे, प्लीज रख के रखना, क्योंकि अभी तो मैंने क्लास ले रहा हूँ तो समझा दिया, लेकिन बाद में तो आपको एग्जामिनेशन डे पे इसको याद रखना है, तो इसके लिए एक चार्ट बना देना ये दोनों सेक्शन को पढ़ के। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट अर्न
ऑन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड आउट ऑफ द रेमिटेंस इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, आउट ऑफ द रेमिटेंस इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होगा, इंटरेस्ट अर्न ऑन डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी इन्वेस्टेड आउट ऑफ रेमिटेंस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो 75,000 रुपए है। आपको पता ही है क्या करना, अभी अभी बताया आपको टैक्स रेट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका टैक्स रेट हो जाएगा 20%। अगर ये चैप्टर 12A में ये क्या करता है स्पेशल प्रोविजन को ऑप्ट करता है, तो ये एनआरआई अगर चैप्टर 12A में स्पेशल प्रोविजन को ऑप्ट अगर करता है तो फिर उस कॉन्टेक्स्ट में इसका जो स्पेशल रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 20% अप्लाई करना होगा 75,000 में। पॉइंट नंबर तीन आप देखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट्स आप, पॉइंट नंबर तीन अगर आप देखोगे, इंटरेस्ट पेड ऑन द मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर्स, कहने का मतलब है इसने ये डिबेंचर्स पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बोरो किया है जिसके लिए उसने इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर इनकर किया है। तो क्वेश्चन आता है कि क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को वो उस इंटरेस्ट इनकम के साथ सेट ऑफ एडजस्ट कर पाएगा, उसकी क्या डिडक्शन उसको मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पे स्पेशल रेट का ग्रह चल रहा है। स्पेशल रेट का ग्रह चलने की वजह से क्या होगा, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा और 20% का जो रेट है उसके मुताबिक ही क्या होगा, ये इंटरेस्ट इनकम टैक्स किया जाएगा। दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी कंसीडर्ड। पॉइंट नंबर चार अगर आप देखें स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है ऑन द सेल ऑफ शेयर्स जो कि सब्सक्राइब आपने किया है इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तो कॉस्ट है सेलिंग प्राइस और ब्रोकरेज, ये तीन चीज आपको दी गई है। तो अब देखो ये क्वेश्चन, ये एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, देख रहे हो आप लोग, यही एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, आईसीए का एग्जाम। मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट मारा है, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट मारा है। ये आप पॉइंट नंबर छह जो देख रहे हो, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है कि मैंने एक एडजस्टमेंट यहाँ पे बीच में डाल दिया है ताकि ये अमेंडमेंट भी आपको मैं इसके थ्रू से मैं करवा पाऊं। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, अगर आप देखोगे तो आपकी जो कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, अब हम लोग अज्यूम करेंगे आईसीआई ने यही तो बदमाशी की है, फर्स्ट प्रोवाइजो का डेटा मिलना चाहिए आपको, टीटी बाइंग रेट क्या है, टीटी सेलिंग रेट क्या है, वो सब चीजें आपको देनी चाहिए, दिया नहीं है। अब दिया नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि वो सब एडजस्टमेंट हो चुका है, अब क्या करें। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो 9,90,000 का हो गया। अशोक एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर तो है, ब्रोकरेज मिलता है, एसटीटी की डिडक्शन नहीं मिलती है अशोक, एसटीटी की डिडक्शन नहीं मिलती है, ब्रोकरेज ब्रोकरेज का डिडक्शन तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ये वाजिब है, डिडक्शन वाजिब है अशोक। 9,90,000 प्राइमरी क्या है इसकी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनेगी, और एलटीसीजी जो बन गई उस पर रेट क्या आपने लगाना है, 10% लगा देना है, दिस इज हाउ इट वुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन इंडिया, ये तो एक अलग ही इनकम है, इसको ये चैप्टर 12A में गवर्न होता नहीं है, ये जो स्टूडेंट्स है इसे आप चैप्टर 12A में गवर्न नहीं करते, तो क्योंकि आप इसे चैप्टर 12A में गवर्न नहीं करते इस वजह से क्या होगा, ये नॉर्मल तरीके से इनकम टैक्स किया जाएगा, तो दिस टैक्सेबिलिटी वुड बी अंडर द नॉर्मल वे, इसमें कोई ऐसा नहीं कि चैप्टर 12A में कोई योगदान होगा, कोई योगदान नहीं इसका। तो एचपी इनकम आपको बताया गया है, अब इसको आप मान के चलो कि ये रेंट है, रेंट इनकम है, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा लिखते हैं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये आंख आपकी खुल जाएंगी, अगर ऐसा लिखते कॉम्प्यूटेड तो समझ जाए स्टूडेंट, अगर ये कॉम्प्यूटेड अगर लिख देते, कॉम्प्यूटेड अगर लिखते एचपी इनकम इन इंडिया, कॉम्प्यूटेड ऐसा वर्ड अगर आ जाता इसमें तो फिर इसका मतलब क्या होता, व्हाट डज इट वुड हैव इंप्लाइड, तो इसका मतलब ये होता स्टूडेंट्स कि अगर ये कॉम्प्यूटेड वर्ड अगर ये लिख देते तो इसका मतलब यही है कि उसमें हमें फिर क्या करना होगा, उसमें प्राइमरीली ये आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ये नेट अमाउंट लेके जाना है कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम में। लेकिन अगर ऐसे ही सिर्फ लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन इंडिया, इसका मतलब इसको क्या समझे हम, रेंट समझेंगे, इसको हम रेंट समझेंगे, और आपको तो पता ही है, ज्ञानी तो हो आप, क्या पता है आपको कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का आपको रेंट के इनकम से दिया जाता है, और यही 2,00,000 पे फिर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके फाइनली आपने अपनी इनकम फ्रॉम दी हेड हाउस प्रॉपर्टी ले लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है लास्ट में, यही अमेंडमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम ऑफशोर इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू कैटेगरी 1 ऑफ AIF,
लीजिए। ये क्या है आपको बता दो, एआईएफ स्टूडेंट्स आपको पता ही है, इजंट इट? अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताते चलूं कि एग्जैक्टली क्या गेम खेली जाएगी, ध्यान से सुनना इस बात को स्टूडेंट्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान से देखना, ये आपका एआईएफ है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। दो एआईएफ, एक है कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। सेबी का कैटेगरी वन या कैटेगरी टू एआईएफ, इन दो एआईएफ के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। आपके एनआरआई इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है? अब ध्यान से देखना क्या हुआ है। इस एआईएफ ने क्या किया है वो भी आपको बता रहा हूं। ये भी आउटसाइड इंडिया मान के चलो, ये भी आउटसाइड इंडिया मान के चलेंगे। आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि एआईएफ क्या करता है, जब इनकम इन्वेस्ट करता है, बी वेरी केयरफुल, और उससे जो रिटर्न आती है, तो बिजनेस इनकम जो है कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, जो सभी के रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड एआईएफ है, कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो जो इनकम जो उनको आती है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, वो इनकम की कैरेक्टराइजेशन आपको करनी पड़ेगी। वो इनकम की क्या करनी पड़ेगी, कैरेक्टराइजेशन। और अगर इनकम इज इन द नेचर ऑफ पीजीबीपी, तो वो किसके हाथ में असेस होगा, किसके हाथ में वो असेस होगा? पीजीबीपी अगर है, एआईएफ के हाथ में। बाकी जो इनकम होंगे वो किसके हाथ में असेस होंगे? इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। ये नियम है, इजंट इट? अब उसमें एक और एक अमेंडमेंट आया है, लॉस पास थ्रू का, एक लॉस पास थ्रू का एक अमेंडमेंट आया हुआ है। तो वो अमेंडमेंट की क्लास में आप लोग देख लेना प्राइमरी। अभी वाला जो क्वेश्चन वाला और एक जो मुद्दा है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। ये भी एक अमेंडमेंट का ही पॉइंट है। तो देखो क्या है लिखा है यहाँ पे, अमेंडमेंट का पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। एआईएफ ने इन्वेस्टमेंट किया है आउटसाइड इंडिया, इसको इसको बोलते हैं ऑफशोर। ऑफशोर मतलब कि एक तो इंडिया में, या फिर ऑफशोर मतलब इंडिया के बाहर। तो उसने क्या किया, ऑफशोर इन्वेस्टमेंट कुछ किए हैं, ठीक है? अब उस ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने कहा है ना कि चलो इसमें आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या उसमें आ गया आईएफओएस की इनकम, इंटरेस्ट पकड़ लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था आपको, कि अगर इनकम इज इन द नेचर ऑफ पीजीबीपी, तो वो असेस होता है एआईएफ के हाथ में। और अगर इनकम इज अदर देन पीजीबीपी, तो वो असेस होता है इन द हैंड्स ऑफ होम, इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो मान के चलेंगे कि एनआरआई इन्वेस्टर है हमारा, एनआरआई इन्वेस्टर है। एआईएफ का फुल फॉर्म ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, एआईएफ का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक? तो ये इन्वेस्टर एनआरआई है, जिसने एआईएफ में इन्वेस्ट किया है, और एआईएफ ने इंटर्न कुछ ऑफशोर मतलब इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। नेचर ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न आया है उस ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में, क्या आया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि इफ द रिटर्न इज अदर देन पीजीबीपी, पीजीबीपी को छोड़ के अगर कोई रिटर्न आता है, तो वो असेस होता है किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है? चलिए अब नोटिस करना, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये अक्रू कहां पे हुआ है बताइए जनाब, ये इनकम अक्रू कहां हो रहा है? ये इनकम हो रहा है आउटसाइड इंडिया, मानते हो ना इस बात को? ये इनकम अक्रू कहां पे हो रहा है? आउटसाइड इंडिया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड आईएफओएस इनकम, ये अक्रू होगा आउटसाइड इंडिया। और बताओ किसको अक्रू हो रहा है, ये असेस किसके हाथ में आप करोगे, किसके हाथ में इसे असेस आप करेंगे? ये आप करेंगे इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का स्टेटस क्या है? नॉन रेसिडेंट। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो और कोई एक ऐसा इनकम जो कि इंडिया के बाहर अक्रू हुआ है, तो क्या वो इनकम उस नॉन रेसिडेंट के हाथ में आप टैक्स करोगे? एंड द आंसर इज नो। तो यही अमेंडमेंट है कि अगर एआईएफ ने ऑफशोर इन्वेस्टमेंट के जरिए कुछ इनकम कमाई है अदर देन पीजीबीपी, जो कि असेस होता है इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, जबकि आपका इन्वेस्टर कौन है? नॉन रेसिडेंट है। तो फिर वो इनकम क्या इनके हाथ में टैक्स होगा? नहीं होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स। ये है अमेंडमेंट। तो आप मेरे क्वेश्चन में देखिए क्या मैंने लिखा है। इन माय क्वेश्चन मैंने अपने क्वेश्चन में डाला है कि ये एनआरआई है, एनआरआई ने उसको कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, या ऐसे कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, चाहे जो भी बोल दो,
किससे आ रहा है? एआईएफ से आ रहा है। किस एआईएफ से आना चाहिए? कैटेगरी वन या कैटेगरी टू एआईएफ से। उस एआईएफ ने क्या किया होगा? वो इंटरेस्ट इनकम कमाने के लिए वो एआईएफ ने क्या किया है? ऑफशोर इन्वेस्टमेंट की है, इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट की है। तो फिर उससे जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न उस नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर के हाथ में असेस नहीं होगा। ये है आपका अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 5। वो ये नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर के हाथ में ये असेस नहीं होगा। दिस इज व्हाट प्राइमरी द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019, वो असेस नहीं होगा। नहीं होगा ना, एआईएफ के हाथ में प्यूज से पीजीबी भी होता है। एआईएफ के हाथ में जो इनकम असेस होता है वो क्या होता है? पीजीबीपी होता है। पीजीबीपी के अलावा बाकी सारे इनकम असेस किसके हाथ में होते हैं? पीजीबीपी के अलावा बाकी सारे इनकम असेस किसके हाथ में होते हैं? वो होते हैं इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। तो इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर अल्टीमेटली क्या होंगे? वो असेस होंगे। अगर कैटेगरी थ्री होगा तो पूरा इनकम एआईएफ के हाथ में होगा, लेकिन कैटेगरी थ्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन अगर कैटेगरी थ्री का अगर एआईएफ है, अगर कैटेगरी थ्री का एआईएफ बोल दो, तब तो बात खत्म। तब तो क्या है, पूरा का पूरा इनकम ही क्या होगा? एआईएफ के हाथ में होगा। ये जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जो बनेगा वो कैटेगरी वन और कैटेगरी टू का बनेगा, जिसमें आप ये कहोगे कि पीजीबीपी की जो इनकम होगी वो एआईएफ के हाथ में टैक्स होगी, और पीजीबीपी को छोड़ के जो बाकी सारे इनकम जो होगी वो टैक्स होगी किसके हाथ में? इन द हैंड्स ऑफ होम, इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। लेकिन ये अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो अमेंडमेंट हमने अभी अभी डिस्कस किया है, उसमें ये है कि वो एआईएफ कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू वाला, अगर उसने कोई ऑफशोर इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट किया है जिससे अदर देन पीजीबीपी की रिटर्न आ रही है, तो फिर वो रिटर्न एक नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर के हाथ में क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। वो रिटर्न वो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। इसका मतलब लेकिन ये ना समझे कि अगर वो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट है तो वो एआईएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि एआईएफ के हाथ में सिर्फ पीजीबीपी ही टैक्सेबल की जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो विद दैट नाउ स्टूडेंट्स, आते हैं इस क्वेश्चन में फिर से। अब ये क्वेश्चन तो वैसी सब चर्चा हो गई है, मैंने आपके साथ कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बाकी है चर्चा, वो कंप्लीट कर लेता हूं, बाकी तो मैं सोल्यूशन में आपको दे दूंगा। आइए, टीडीएस डिडक्ट हुआ 30,000 का। टीडीएस तो आप क्या करोगे, जब आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी तो आप उसको टीडीएस से वो डिडक्ट करोगे, और फिर बैलेंस कितना पेबल बनता है आपका टैक्स, वो आपको टीडीएस से मिल जाएगा, इजंट इट? आइए नीचे क्या लिखा है देखते हैं वो भी। द हाउस प्रॉपर्टी वॉज अक्वायर्ड, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, वॉज अक्वायर्ड आउट ऑफ लोन फ्रॉम एचडीएफसी से लोन ली थी स्टूडेंट्स आपने। द रीपेमेंट ऑफ लोन मेड ड्यूरिंग द ईयर, लोन की रीपेमेंट हुई है। तो बताइए जनाब, क्या रीपेमेंट ऑफ लोन के वजह से आप सभी लोग 24B में डिडक्शन दोगे? हाउस प्रॉपर्टी के कॉम्पिटिशन में 24B की डिडक्शन दोगे? जल्दी बताओ, देते हो ना आप लोग 24B में रीपेमेंट ऑफ लोन का डिडक्शन 24B में? देंगे या नहीं देंगे बताइए जनाब? रीपेमेंट ऑफ लोन सोच में पड़ गए हो। ये इसके लिए सही आंसर आ रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन हो चुका है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इस वजह से यहां पर मैंने आपको बख्श दिया है। लेकिन आप बाकी के जरा एमटीपी बाकी सब देख लो ना, ये तो वो फिर भी मैं दिखा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा एग्जामिनेशन क्वेश्चन का एक फील आ गया आपको इसमें, इसके लिए आंसर आप थोड़ा जल्दी जल्दी दे रहे हो। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक पॉइंट पे, ये ऐसे इक्के दुक्के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जहां पे आपके आंसर थोड़ा ठीक जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सब लोगों ने, एटीसी की डिडक्शन मिलेगी, रीपेमेंट ऑफ लोन। लेकिन मैंने अपने तरीके से और भी अच्छे गेम खेले हैं इसमें एमटीपी में। कौन सी वो एमटीपी है? एमटीपी वन में क्या होगा, एटीसी की डिडक्शन आपको मिल रही है, 20,000 का अमाउंट है, 20,000 का अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, और एक डिडक्शन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ATG का, द SSC ऑल्सो क्लेम डिडक्शन, द SSC ऑल्सो क्लेम डिडक्शन ऑफ ₹10,000 बाय वे ऑफ डोनेशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो वो 10,000 का हो गया, 20,000 का ये, 10,000 का वो, 30,000 का डिडक्शन ATC एंड ATG। ये 30,000 के बजाय कुछ होना चाहिए था, जानते हो कितना होना चाहिए था? ये बड़ा अमाउंट होना चाहिए था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये अमाउंट होना चाहिए था लाइक 2 लाख के आसपास। अगर ये 2 लाख के आसपास रहता था तो जानते हो क्या होता था, फिर ये टकराता था। ये तो 20 और 30 ही है, आपके पास तो वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपके पास वैसे ही तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो आप वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही इसको एडजस्ट आराम से कर सकते हो। मान के चलो कि इस क्वेश्चन में अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती ही नहीं, मान के चलिए स्टूडेंट्स, ये गेम मैं खेलता आईसीआई की वजह, अगर मैं रहता तो ये हाउस प्रॉपर्टी का ये निकाल ही देता था यहां से, ये 2 लाख का, और फिर आपको कश्मकश में डाल देता कि एक जगह पे ATC और फिर दूसरी जगह पे क्या ATG की डिडक्शन आपको सता रही है, 20 हजार और 10 हजार की डिडक्शन वो आपको बुला रही है, और साथ ही साथ फिर आपके पास इनकम भी है। तो बताएं ऐसे केस में क्या ATC और ATG की डिडक्शन आप देते अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस क्वेश्चन से अगर हम लोग डिलीट कर देते थे तो, इस क्वेश्चन से अगर हम HP की इनकम को डिलीट कर देते तो क्या ATC और ATG की डिडक्शन आपको मिलती या नहीं मिलती? जल्द से जल्द स्टूडेंट्स इसका आंसर आप देंगे, मिलती या नहीं मिलती, उसकी आंसर मुझे अभी के भी चाहिए तुरंत। सारे स्टूडेंट्स ने बहुत तेजी से कार्रवाई की है और सभी लोग ने बोला है, मतलब बहुत लोग ने बोला है, 90% कह रहे हैं यस बोल रहे हैं, तेजी से कार्रवाई करते हुए सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं यस। काफी तेजी से आपने कार्रवाई की है स्टूडेंट्स, मानना पड़ेगा इस बात को कि ATC और ATG की डिडक्शन आपको मिल जाती है। ये सारे स्टूडेंट्स ने लगभग दिया है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे प्रांजल है, फिर दीक्षिता है, कृष है, जगदीश जी भी है, राम है, उनका मानना है कि ATC और ATG की डिडक्शन नहीं मिलती। फाइनल आंसर बता दो जल्दी से स्टूडेंट्स, 10 सेकंड का और टाइम आपको दिया जा रहा है। तो फिर बताइए जनाब, इस केस में नहीं मिलता क्यों? क्योंकि ध्यान रखना स्पेशल रेट ऑफ टैक्स चढ़ रहा है इस पे। क्या बताया गया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, 20% और 10% जो है ये क्या है, स्पेशल रेट का टैक्स है, और स्पेशल रेट का टैक्स होने की वजह से क्या आपको कोई डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6A का? नहीं मिलता है। एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है जहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ध्यान से सुनना, जहां पे आप स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगाते हो और उसके साथ साथ चैप्टर 6A का भी डिडक्शन दिलवाते हो। कल मैंने ही आपको पढ़ाया था, बताओ उसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। ये एक्सेप्शन एक ही जगह पे पाई जाती है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन के चैप्टर पे, तो आपने बताना है जल्द से जल्द आंसर वो एक्सेप्शन क्या है। अशोक ने बहुत तेजी से आंसर दिया है, मानना पड़ेगा इस बात को। आप ही दे रहे हो आंसर, बाकी तो सब लोग सोच में पड़ गए। एक ही एक्सेप्शन है, कल मैंने पढ़ाया था नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आप सभी लोगों को, रॉयल्टी की बात हुई थी 115A में, रॉयल्टी एंड FTS, बिल्कुल रॉयल्टी एंड FTS कल मैंने जब पढ़ाया था नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में, सेकेंड क्लास थी, पार्ट 2 था हमारा क्लास नॉन रेसिडेंट का, उसमें मैंने बताया था कि 115A में रॉयल्टी एंड FTS पे 10% का स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन आपने आपने उस 10% के रेट पे एक ही चैप्टर 6A का डिडक्शन देना है, अगर चैप्टर 6A का डिडक्शन का केस बनता है तो अगर 115A का ही अगर क्या है रॉयल्टी एंड FTS है, तो उसमें ही सिर्फ आप क्या करोगे स्पेशल रेट चैप्टर 6A का डिडक्शन दोगे, उसके अलावा बाकी चाहे कोई भी स्पेशल रेट का टैक्स हो, स्पेशल रेट का कोई टैक्स अगर होगा उस पे स्टूडेंट्स आप गलती से भी आप नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, प्राइमरी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं देंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं,
ये क्वेश्चन के अंदर देखो ट्विस्ट आईसीआई कैसे खेलेगी, हाउस प्रॉपर्टी को हटा दो, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी को अगर आप हटा दोगे तो बस मिल गया आपको क्या, सारा इनकम ही स्पेशल रेट है अब, ये हटा दो इसको, इसको एग्जेम्प्ट करवा दो, ये तो एग्जेम्प्ट ही है, एएफ का मैंने बताया अभी, पहले वाला भी एग्जेम्प्ट ही है, तो बचा क्या अब आपके हाथ में, बचा यही। और ये अगर बचता है तो भाई ये 10-20% के हिसाब से जाएगा, और ये जो जाएगा ये जाएगा 10% के हिसाब से। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सिर्फ मेरे पास 20% 10% वाली इनकम है, बाकी और कोई इनकम है ही नहीं, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में क्या मैं चैप्टर 60 का डिडक्शन दिलवाऊंगा? एंड आंसर इज नो, कोई चैप्टर 60 की डिडक्शन नहीं दिलवाई जाएगी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन स्टूडेंट्स। अब आपसे मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आखिरी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना इसको भी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, मान के चलो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, ये नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को क्या है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, इंडिविजुअल को क्या है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है कि नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। तो मेरा क्वेश्चन आप सब लोग से ये है कि क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख की, क्या वो आप उसको एडजस्ट करोगे फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपको दिया गया है, और फिर नेट अमाउंट पे आप क्या कर लेना 10% का रेट लगवा देना, क्या वो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एडजस्ट करोगे 2.5 लाख का फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ 9,90,000, और फिर जो नेट अमाउंट बच जाए उस पे आप 10% लगवा दें, क्या ये आप करेंगे या नहीं करेंगे? और मुझे रीजंस के साथ आंसर चाहिए जल्द से जल्द, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड है, जल्दी से, नहीं, मुझे रीजन के साथ चाहिए 20 सेकेंड में। आप आईसीआई नहीं पूछती है धीरज, इस बार का पेपर मैं बना रहा हूं। ये यस और नो से काम नहीं चलने वाला है, मुझे रीजन चाहिए, ये यस और नो से क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मुझे रीजन, जो भी लिखो मुझे रीजन के साथ आंसर चाहिए। नहीं, दीक्षिता 1038 की एग्जेम्पशन कहाँ चली गई, आप 1038 में कहाँ आ गए, 1038 में तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बचा ही नहीं। क्वेश्चन में आखिरी बार वापस से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग सब लोग समझ जाए, ये एक इंडिविजुअल बंदा है, 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट उसकी बेकार में बेकार हो रही है, वेस्ट हो रही है, तो वो क्या बोल रहा है कि मेरी 2.5 लाख की इनकम जो है ना वो 9,90,000 का जो LTCG है उससे आप एडजस्ट करवा दो, और जो बैलेंस वाला जो है बच जाता है नेट LTCG उस पर 10% लगवा दो, ये उसकी आपसे विनंती है, हाथ जोड़ के करवा दोगे आप, सिफारिश उसने की है आपसे। मुझे इसका रीजन चाहिए, जो भी आप हाँ ना बोल रहे हो उसका रीजन चाहिए, सिर्फ हाँ और ना से बात नहीं बनती है। 20 सेकंड और आपको ज्यादा दे रहा हूं, चलो जल्दी से 20 सेकंड में और आंसर दो। अरे होगी या नहीं होगी, आप वही पूरा सेंटेंस हिंदी में लिख रहे हो, मुझे इसका रीजन क्यों नहीं होगी और क्यों होगी, उसका रीजन तो लिख के बताओ। आखिरी के 10 सेकंड रह गए हैं, जिनको आंसर देना है आप आखिरी के 10 सेकंड में दे दो। मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन है बंदा जो कि सही आंसर दे रहा है। चलिए अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, ये अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की एडजस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से मिलती है, मिलती है, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या,
आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। ये सिर्फ बेनिफिट रेसिडेंट को दिया जाता है, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किसको दिया जाता है? रेसिडेंट को दिया जाता है। नॉन रेसिडेंट ये बेनिफिट के हकदार नहीं होते, नॉन रेसिडेंट इस बेनिफिट के हकदार नहीं होता। तो अगर आप अगर रेसिडेंट होते तो ध्यान से सुनना, जो आपका अनअब्सॉर्ब्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो भी है, अनअब्सॉर्ब्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपका जो भी है, वो अनअब्सॉर्ब्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है, प्रोवाइडेड आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। नॉन रेसिडेंट हो, ये गेम से आप बाहर हो, आपको फिर ये एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन में आप कौन हो? एनआरआई हो, ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे और एक क्वेश्चन फिर पूछना चाहूंगा लगे हाथों। और एक जगह है जहां पे बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है, और एक जगह है जहां पे बेनिफिट सिर्फ रेसिडेंट को मिलता है इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, टैक्स के कैलकुलेशन में। और एक जगह केस है जहां पे बेनिफिट आप सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को देते हो। बताइए जल्दी से वो कौन सा केस है जहां पे आप बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को देते हो इन कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में। हाँ धीरज, स्पेशल रेट की तो मैं बात कर रहा हूँ। अब कोई भी स्पेशल रेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, 112 हुआ, 112A है, ये भी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का ही है ना, तो वहां पे भी तो स्पेशल रेट ही तो लगता है 112 और 112A में। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को स्पेशल रेट 112 या 112A में लगा रहे हो, तो उसको आप अनअब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एडजस्टमेंट आप दिलवा सकते हो, अनअब्सॉर्ब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से आप एडजस्टमेंट दिलवा सकते हो, बशर्ते आपका रेसिडेंट होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा है सब लोगों ने काफी चपलता से, बाकी ने अशोका, दीक्षिता, मालती, ध्रुव, समाधान, जसप्रीत, प्रिया, सब लोगों ने, बलिया ने, सब स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो स्टूडेंट साहब। रिबेट एक और एक है जो कि टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन में बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आप किसको देते हो? रेसिडेंट को देते हो। सिर्फ और सिर्फ आप ये बेनिफिट किसको देते हो? रेसिडेंट को देते हो। ठीक है, बिल्कुल सही कहा समाधान आपने, बिल्कुल मिल जाएगा धीरज, बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन रेसिडेंट को ही मिलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग ध्यान रखें, बस गेम यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस यही पॉइंट था स्टूडेंट, जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों से एक बार डिस्कस कर लूं। बाकी सोल्यूशन अब आ ही जाएगा, बाकी तो मैंने सारे दांव पेच खेल लिए, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, तो देख लेना आप लोग इसका एक बार सोल्यूशन ऑफिशियली। फाइन स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ा जाए। एनआरआई का मैंने करवा दिया है आप सभी लोगों को। इसमें एक और एक पॉइंट है, बस आपको जल्दी से बता दूं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक पॉइंट है जो कि मैं आपको बता के आगे चलता हूं। स्टूडेंट, एनआरआई वालों को ये जो चैप्टर 12A का, अगर उसको क्या है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे उसको टैक्स नहीं पे करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे उसको अगर टैक्स पे नहीं करना है, तो वो क्या कर सकता है? वो जो सेल प्रोसीड है वो उसे इन्वेस्ट कर दे। अगेन किस पे इन्वेस्ट करेगा? अगेन इन द स्पेसिफाइड एसेट। तो अगर वो सेल प्रोसीड को इन्वेस्ट कर देता है इन द स्पेसिफाइड एसेट, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स, फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको पता है क्या पता है कि उस पर्टिकुलर केस में आपको वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने पूरा सेल कंसिडरेशन अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपने पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं किया, तो फिर प्रोरेटा बेसिस पे ही, जैसे 54F में होता है ना, आप प्रोरेटा बेसिस पे क्या करते हो? एग्जेम्पशन दिलवाते हो। बस उसी तरीके से क्या करेंगे आप? प्रोरेटा बेसिस पे आप क्या करेंगे? एग्जेम्पशन दिलवाएंगे। प्रोरेटा बेसिस पे ही आप एग्जेम्पशन दिलवाएंगे। डिड यू ऑल गॉट दिस वन? ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज आप लोग बस ध्यान रखना, प्रो रेटा बेसिस पे ही फिर आप यहाँ पे एग्जेम्पशन दिलाएंगे। इस ये आपका 115F। तो क्या करेंगे आप? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट, द न्यू स्पेसिफाइड एसेट, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। बस यही गेम है। फाइन, और आखिरी पॉइंट भी आप लोग सुन लो स्टूडेंट्स, फिर आखिरी पॉइंट भी सुन लो। क्या इनको ध्यान से सुनना, क्या एनआरआई को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है? याद करें स्टूडेंट्स, हमने 115BBA किया था ना, 115BBA, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन। नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन क्या पढ़ा था मैंने आपको, कि अगर वो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के पास सिर्फ वो तीन ही इनकम है, अगर वो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के पास वो तीन ही इनकम है, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, और उस इनकम पे TDS डिडक्ट हो चुका है,
और उस इनकम पे टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आप नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को एग्जेम्पशन दे देते हो। किस बात की एग्जेम्पशन दे रहे हो आप? फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। वो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये एनआरआई भी, अगर उस एनआरआई के पास यही इनकम है जो आप देख रहे हो, अभी अभी बताया ना इंटरेस्ट इनकम और ये आपकी एलटीसीजी, यही इनकम है प्राइमरीली जो कि इन्वेस्टमेंट इनकम और एलटीसीजी, और इस पे क्या है टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, इस पे क्या है टीडीएस डिडक्ट हो चुका है, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में उस एनआरआई को कोई भी आरओआई फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब आप यही देखो कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां पे, ये वाला क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, ये क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में अगर ये टीडीएस सब चीज डायरेक्ट है यहां पे, ठीक है, लेकिन क्या उसको आरओआई फाइल करना इस केस में जरूरी पड़ेगा? बोला गया आपको क्वेश्चन में कि यहां भाई इसने सारे के सारे टीडीएस वीडीएस जो है ना वो सब इसके डिडक्ट हो चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में उनको आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है? बिल्कुल मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी होगा? क्योंकि उनके पास ये पॉइंट नंबर 5 वाली इनकम आ रही है, और वो पॉइंट नंबर 5 वाली इनकम क्या है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन इंडिया। इसकी वजह से पूरी गेम गड़बड़ा गई है। तो एचपी इनकम होने की वजह से भले ही एचपी इनकम पे जो उसमें 194 आई में टीडीएस डिडक्ट हो चुका होगा, जो उसका टेनेंट है उसने 194 आई में टीडीएस डिडक्ट कर दिया, तब भी इस एनआरआई को आरओआई फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग किस्मत वाले हो कि मैं ये अभी एग्जामिनेशन अल्टीमेटली आपका पेपर सेट करने जा रहा हूं, और अगर करूंगा तो ऐसी क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा बताइए? वो कौन से केसेस हैं जहां पे आर नॉन रेसिडेंट को रिटर्न फाइल करने का एग्जम्पशन प्राप्त हो जाता है? फिर सोचना दिन में तारे कैसे दिखते पता चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहां पे इसको उसके साथ लिंक करके ला दिया जाए तो सिचुएशन काफी रोमांचक हो जाता है, इजंट इट। चलिए फिर उसी चीज को अब आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं एडीआर और जीडीआर के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो डिस्कशन का स्टूडेंट्स एडीआर और जीडीआर का है। चलिए स्टूडेंट्स अब एडीआर और जीडीआर की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन आ चुकी है धीरज, पेपर बनाने के लिए एप्लीकेशन जल्द से जल्द आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स एडीआर और जीडीआर जल्द से जल्द कर लेते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक दो पास पॉइंट है इसके अंदर। एडीआर जीडीआर आपको पहले कंसेप्ट शायद पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं एक बार जल्द से जल्द आपको बता देता हूं। कंसेप्ट पता है आप लोगों को एडीआर जीडीआर का क्या है? कि अगर इंडियन कंपनीज को क्या करना है, अगर उसको रेज करना है फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग, अगर उसको क्या करना, इक्विटी है ध्यान रखना, डेट नहीं। डेट के लिए तो वो जा सकता है दूसरे मोड से, उसके लिए उसके पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, उसके पास वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड वो इशू करवा सकता है इंडिया के बाहर। ये सारे डेट फाइनेंसिंग के वेरियस ऑप्शन है, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग वो अपना नहीं करवा सकता इंडिया के बाहर। वो अपना शेयर्स को रेज नहीं करवा पाएगा, वो लिस्ट नहीं कर सकता है शेयर्स को इन अमेरिकन मार्केट। तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है स्टूडेंट? तो उनके पास ऑप्शन बचता है किसका? ये एडीआर और जीडीआर का रूट। अब ये रूट क्या है एडीआर और जीडीआर का स्टूडेंट? इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या करते हैं इन लोग कि वो डिपॉजिटरी को अपना जो शेयर्स है, लाइक आईसीआईसीआई बैंक, वो क्या करेगी डिपॉजिटरी को प्राइमरी अपना जो शेयर्स है वो गिरवी रखती है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक को शेयर्स इश्यू करवाने हैं इंडिया के बाहर, तो वो क्या करेगी, वो डिपॉजिटरी जो है उनके साथ वो अपना शेयर्स को एक तरीके से मॉर्गेज कर देती है। वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स को फिर क्या करेंगे डिपॉजिटरी, वो कन्वर्ट कर देंगे इनटू डिपॉजिटरी रिसीट उस कंपनी के नाम पे। वो उतने पर्टिकुलर शेयर्स का इक्विवेलेंट जो बनता है उतना नंबर ऑफ एडीआर जीडीआर इश्यू करवा देंगे उस कंपनी के नाम पे। कहां पे? इन दी फॉरेन मार्केट। तो होगा क्या कि डिपॉजिटरी रिसीट के जरिए क्या है ये पर्टिकुलर कंपनी इंडिया के बाहर ये फाइनेंसिंग रेज करते हैं, जिसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, अंडरलाइंग एसेट है द शेयर्स,
एक तरीके से शेयर्स को गिरवी रख के आपने क्या किया है, आपने ये एडीआर और जीडीआर इंडियन मार्केट के बाहर पे बाहर क्या किया है, इसको इश्यू करवाया है। अब देखिएगा होता क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में स्टूडेंट, आपने एडीआर जीडीआर वो अब लिस्ट होता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इंडिया के बाहर, नैसडैक में, लुक्सेमबर्ग, तो ये वहां के स्टॉक मार्केट में ये क्या हो जाता है, ये आप वहां पे लिस्ट करवा देते हो। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, ये एक नॉन रेसिडेंट अब वहां के फॉरेन मार्केट में लिस्ट हो चुका है, उसने बाय किया होगा उस नॉन रेसिडेंट ने बाय यूटिलाइजिंग द फॉरेन करेंसी, इजंट इट, वो एडीआर और जीडीआर को परचेस करके थ्रू फॉरेन करेंसी उसने उसको क्या किया, परचेस किया है। अब वो आगे जाके बेचेगा भी, जनरली बताएं किसको बेचेगा, टू हुम दे आर गोइंग टू सेल, किसको बेचने वाला है, तो ये जनरली तो बेचेगा टू अ नॉन रेसिडेंट। अगर ये नॉन रेसिडेंट को बेचता है, ध्यान रखना वो शेयर्स नहीं बेच रहा है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वो बेच रहा है एडीआर एंड जीडीआर, एडीआर एंड जीडीआर वो बेच रहा है, तो वो अगर एडीआर एंड जीडीआर बेचेगा तो 47 का एक सेक्शन है जहां पे एक नॉन रेसिडेंट अगर दूसरे नॉन रेसिडेंट को क्या कर रहा है, एक इंडियन कंपनी का एडीआर या जीडीआर को ट्रांसफर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, तो उस पर्टिकुलर केस में, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाए है, किसको मिलेगा, टू दैट नॉन रेसिडेंट 47 में एग्जेम्पशन मिलेगा टू द नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 47, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने क्या है वो एडीआर और जीडीआर को ट्रांसफर किया है किसको, टू अ रेसिडेंट, टू अ रेसिडेंट, तो अगर आपने ट्रांसफर किया है टू अ रेसिडेंट, तो उस सिचुएशन में ये कैपिटल गेन्स जो बनेगा नॉन रेसिडेंट को, वो कैपिटल गेन्स पे अब क्या लगेगा, टैक्स लग जाएगा, क्योंकि जो एग्जम्पशन वाला जो पॉइंट है 47 का, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने किसको ट्रांसफर किया है, वो नॉन रेसिडेंट ने किसको ट्रांसफर किया है, टू अनदर नॉन रेसिडेंट। लेकिन अगर एक नॉन रेसिडेंट ने ये एडीआर और जीडीआर ट्रांसफर किया है टू अ रेसिडेंट, तो आपको ये एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स, ये एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दी जाएगी, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। तो उस पर्टिकुलर केस में बताएंगे क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में ये एडीआर और जीडीआर का ये जो ट्रांसफर किया आपने टू अ रेसिडेंट को, तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। आप मुझे बताओ टाइप करके कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पता लगाने के लिए एडीआर और जीडीआर का पीरियड ऑफ होल्डिंग मुझे कितना लेना पड़ेगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना लेना पड़ेगा, जल्दी से टाइप करके बताओ कितना लेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। जल्द से जल्द कार्रवाई करो तुरंत, तो ध्रुव समाधान इनकी आंसर आ चुकी है, बस और 5 सेकंड आखिरी का और है, जिनको आंसर देना जल्द से जल्द दे दीजिए, 5 सेकंड है स्टूडेंट्स और। अशोका नेहल इन्होंने भी आंसर दे ही दिया है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों ने कहा है, और वाकई में नहीं नहीं अनलिस्टेड की बात ही नहीं है, पीयूष और सूरज और प्रिया इन्होंने भी आंसर दे दिया है, इसमें अनलिस्टेड लिस्टेड की क्या बात है, ये एडीआर और जीडीआर ये ना तो एक कोई शेयर्स है, ये शेयर्स तो है नहीं, ठीक है, तो ये शेयर्स नहीं है, साथ ही साथ ये कोई सिक्योरिटी नहीं है जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ये भी आप बोलोगे कि ये कोई सिक्योरिटी, क्योंकि ध्यान रखना 12 मंथ्स का एक पॉइंट है कि अगर कोई सिक्योरिटी इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में अगर क्या है, कोई भी सिक्योरिटी अगर इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक मार्केट में क्या है, लिस्टेड है, तो उसके लिए 12 महीना है, 24 मंथ्स में। मैंने आपको कल वाले नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में भी बताया था कि उसके लिए क्या है, 24 मंथ्स हम लोग देखते हैं फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, 24 मंथ्स हम देखते हैं फॉर अनलिस्टेड शेयर्स, तो फिर एडीआर जीडीआर के लिए बचा क्या, एक तो ये एडीआर जीडीआर क्या सिक्योरिटी बोल सकते हो, हाँ बोल सकते हो, लेकिन क्या ये इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नहीं है, ये कहां पे लिस्टेड है, वो इंडिया के बाहर है, तो इसी वजह से इसका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग जो बनेगा, तो ना तो 12 मंथ्स बनेगा, ना ही ये कोई अनलिस्टेड शेयर्स है, इजंट इट, तो 24 मंथ्स की कैटेगरी में भी नहीं आ सकता, तो फिर ये कहां चला जाएगा, लास्ट कैटेगरी में 36 मंथ्स में, तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग इसकी 36 मंथ्स देखी जाएगी,
और 36 मंथ्स के ऊपर अगर इसकी होल्डिंग होती है, और जैसे मैंने कहा ना, अगर एक नॉन रेसिडेंट एक दूसरे रेसिडेंट को अगर ट्रांसफर करता है, रेसिडेंट को ट्रांसफर करता है, एंड इफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 मंथ्स, तो उससे जन्म लेगा क्या द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। और अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर ये बनता है तो उस पर्टिकुलर केस में स्टूडेंट्स, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बनता है तो उस पर्टिकुलर केस में 10% का ये क्या होगा, टैक्स रेट लगेगा। लेकिन 10% लगेगा विदाउट, विदाउट व्हाट, विदाउट अप्लाइंग, विदाउट अप्लाइंग व्हाट, फर्स्ट प्रोविजो एंड द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 क्या है, यही चीज तो मैंने आपको लेक्चर के एकदम स्टार्ट में बताई थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी अभी जुड़े हैं तो उनके लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था ये चीज। तो ध्यान रखना, फर्स्ट प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 ये अप्लाई करे किए बगैर आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देंगे और सीधा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कितना रेट लगवाना है आपने, 10%, आपने स्टूडेंट्स 10% लगवाना है। और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स निकला तो, अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स निकला तो वही नॉर्मल रेट लगा लो, क्योंकि नॉन रेसिडेंट हो आप, और नॉर्मल रेट जो भी एप्लीकेबल होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे बस वही लगवा देना है। दिस इज द टैक्स इम्प्लीकेशन। तो जनाब आइए, ये एडीआर टैक्स इम्प्लीकेशन, मैं आपको एक नोट ये लिखवा देता हूँ, टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन एडीआर जीडीआर, पहला वाला लिखता हूं ट्रांसफर, पहले वाले में मैंने लिख दिया ट्रांसफर, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर बाय अ नॉन रेसिडेंट to another non-resident. By a non-resident to another non-resident. ठीक है, दूसरा पॉइंट, बाय नॉन रेसिडेंट टू रेसिडेंट, और यहां पे ये भी लिख देता हूं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो उसका आंसर है नॉट अ टैक्सेबल ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म होगा तो 10% विदाउट अप्लाइंग, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो, टू सेक्शन 48, और ये नॉर्मल टैक्स रेट। नॉर्मल टैक्स रेट लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक ये लिखना है, फिर बाद में तो ट्रांसफर प्राइसिंग को आपको तो मिल ही चुका है पीडीएफ की फाइल, बेहतरीन पीडीएफ और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर गार का क्या करेंगे, जनरल एंटीबॉडीज रूल, बात सही कह रहे हो स्टूडेंट, जनरल एंटीबॉडीज रूल ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो देखिए जनाब, जहां तक जनरल एंटीबॉडीज रूल की बात अगर होगी, एक चीज आप लोग सब लोग समझ के चलना,
फॉर दी गार प्रोविजन, यहाँ पे आप एक चीज सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मैंने वैसे ही अपने लेक्चर्स यूट्यूब में डाले हैं गार के लिए और मेरे नोट्स वैसे ही बाहर ही हैं, तो आप उसको देख लें, वो पहले से मौजूद है, आप उसी को देख लें और उसी में से तैयारी कर लें। गार भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स के लिए, तो वो भी आप लोग एक बार कर लें, ओल्ड और न्यू दोनों को ये एप्लीकेबल है एग्जामिनेशन के लिए। तो पहले से यूट्यूब में मैंने रखा हुआ है, प्लस नोट्स भी हैं उसके, आप उसको अच्छे से अध्ययन करके कर लेना, इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और जो नोट्स है ना वो गार का, वो एक बार अच्छे से जितने केस स्टडीज़ हैं, जितने भी केस स्टडीज़ हैं वो एक बार आप लोग अच्छे से कर लो। उसकी मैं एक वजह बताता हूँ, आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, जो पिछले ये जो नवंबर अटेम्प्ट में अगर आप देखोगे, नवंबर 19 के अटेम्प्ट में जो केस स्टडी आया था मॉरिशस का, जो नवंबर 19 के अटेम्प्ट में डाला था, सेम अपने किताब में से ही उन्होंने पिकअप किया है। आप बोलोगे वो तो आप अभी बोल ही सकते हो, आपने अभी अपने किताब में डाल दिया होगा, तो एक काम करना, कोई आपके पिछले कोई दोस्त होंगे अगर AY 19-20 के, तो उनकी कोई किताब ले लेना और वहाँ पे देखना, वही सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा और वो क्वेश्चन कहीं नहीं था, सेम अपनी किताब से पिकअप हुई है। इसी वजह से मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, MTP मैंने फ्लोट करवा दिया है, इतने सारे MTP फ्लोट हो चुके मार्केट में, एक्सेस है, और मैं अभी बस आपको हिंट बस दे रहा हूँ प्राइमरीली कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पिकअप किए जाएंगे उसकी। चलिए मैं आपको एक वजह भी बता देता हूँ, क्योंकि एक और पर्टिकुलर, अब छोड़ो नहीं वो बता नहीं सकता, लेकिन वो भी एक, अब आप इतना ही इशारा समझदारों को इशारा काफ़ी हो जाता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसके लिए MTP 7 जो है उसको दो बार आपको करना है, वो करना ही है आपने, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स हैं इसके अंदर जो डाले गए हैं, और ऐसी ट्रिक्स ऐसी एग्जामिनेशन में टेस्ट करती है, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा केयरफुल रहना, जो मैंने आपको अभी भी बात रखी है, तो वो चीज़ आप लोग ध्यान से गौर करके रख लेना, ठीक। तो समाधान ये तो रिवीजन ही तो चल रहा है, असेसमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, इतना सारा रिवीजन ही तो हो रहा है आपका, असेसमेंट वाला लेक्चर तो कंप्लीट हो चुका ना, रिडेम्पशन ऑफ GDR स्टूडेंट्स, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए नहीं आता राम, गार का यूट्यूब में देख लो, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा समाधान, वहां पे मिल जाएगा आपको लेक्चर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, रिडेम्पशन ऑफ GDR, मैं वैसे अगर चाहिए तो वापस से डाल देता हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, कल डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना, अदरवाइज यूट्यूब में पड़ा हुआ है। एनीवेज, अब स्टूडेंट्स आप लोग आइएगा यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ GDR में, मैं गार का नोट्स डलवा दूंगा प्राइमरी और आपको बता दूंगा, ठीक है, आप उसकी चिंता ना करें। और यूट्यूब में वो लेक्चर वो रहेगा, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा आप लोग के लिए, रिडेम्पशन ऑफ GDR। अब आप लोग आ जाइए जल्दी से रिडेम्पशन ऑफ GDR में, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आप लोग ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले तो ये कंसेप्ट आपको पूछना है कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ GDR, यही है कि व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ GDR, तो बताइए ये कंसेप्ट क्या है, क्या है ये कंसेप्ट रिडेम्पशन ऑफ GDR का इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये कंसेप्ट का कंसेप्ट स्टूडेंट यहां पे नोटिस करना, थोड़ा सा केयरफुल रहना इस पॉइंट को लेके, द कंसेप्ट इज दैट ये जो GDR है आपका, ADR GDR में क्या होता है कि नेस्डैक, मान के चलिए कि नेस्डैक बहुत ही नीचे गिर रहा है, नेस्डैक में आपका ADR और GDR था, वो स्टॉक मार्केट US का काफी गिर रहा नीचे, बहुत सारी रीजंस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे वो प्रभावित होके प्राइमरी वो मार्केट गिर गया है, लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट स्टेबल है, ठीक है। अब नोटिस करना क्या है, इंडिया का स्टॉक मार्केट स्टेबल है और इंडिया के स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स लिस्टेड है वो अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब सोचो वो बेचारा जो नॉन रेसिडेंट है, जिसने वो ADR और GDR जो होल्ड करके बैठा है, उसको कितना दुख होता होगा, किस बात का दुख उसको हो रहा है, दुख स्टूडेंट्स इस बात का हो रहा है कि वो ये देख रहा है
कि यार काश मैं इंडिया का, अगर वो मेरे हाथ में शेयर्स होता तो यही चीज जो मेरे हाथ में एडीआर और जीडीआर के रूप में है बट विच इज लिस्टेड इन यूएस स्टॉक मार्केट, उसकी वैल्यू मट्टी के बराबर हो गई है। और इंडिया में क्या हो रहा है, ये उसका ही यही कंपनी का जो शेयर्स है वो तेजी से ऊपर जा रहा है। अब उसको इस बात का काफी दुख है, तो उसके हाथ में एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन बताओ क्या है कि वो चाहे तो, मैंने क्या आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई ये जो एडीआर जीडीआर जो जारी करवाया गया है वो शेयर्स को एक तरीके से गिरवी रख के जारी करवाया गया है, एक तरीके से डिपॉजिटरी के पास आपने क्या किया, अपना शेयर्स को गिरवी, कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी करवा के एडीआर जीडीआर जारी करवाया। तो ये नॉन रेसिडेंट अब क्या करेगा, ये नॉन रेसिडेंट अब क्या करेगा, अब ये पर्टिकुलर एडीआर जीडीआर को तरीके से वो रिडेम्पशन करवाएगा और उसके बदले वो शेयर्स ले लेगा, रिडेम्पशन करवा के उसके बदले क्या करेगा, वो शेयर्स ले लेगा। तो अगर वो अपना एडीआर और जीडीआर को रिडीम कर देता है और वो उसके बदले शेयर्स लेता है, तो उसका क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स कि क्या ये जो ट्रांसफर है, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ एडीआर एंड जीडीआर इन एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, क्या ये ट्रांसफर अपने आप में एक टैक्सेबल ट्रांसफर है? एंड आंसर इज यस। ये चीज नोटिस करने वाली बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको कैपिटल गेन्स चैप्टर में बहुत सारे ऐसे दूसरे टाइप के जो कन्वर्जन्स हैं वो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माने जाते, दूसरे टाइप के जो कन्वर्जन्स हैं वो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं माने जाते। कौन से हैं वो दूसरे वाले कन्वर्जन? प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी, डिबेंचर्स इनटू इक्विटी, ये कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं जिनकी कन्वर्जन अपने आप में वो टैक्सेबल ट्रांसफर नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर एक एडीआर और जीडीआर को आपने कन्वर्ट कर दिया इन रिटर्न ऑफ दी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इन रिटर्न ऑफ व्हाट, द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो एडीआर एंड जीडीआर क्या अपने आप में एक टैक्सेबल ट्रांसफर मानी जाएगी? एंड आंसर इज यस। तो एडीआर एंड जीडीआर के बदले अगर आपको मिलता है क्या, रिडेम्पशन करके आपको मिलता है द शेयर्स ऑफ द कंपनी, रिडेम्पशन के बदले आपको मिलता है द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो जो ट्रांसफर है वो अपने आप में एक टैक्सेबल ट्रांसफर है, उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता। एंड देयर फोर यहां पे अगर आपको यहां पे देखो, सो रिडेम्पशन ऑफ जीडीआर इस कॉन्टेक्स में स्टूडेंट, इस कॉन्टेक्स में तो नोटिस करना है यहां पे, दिस इज अ टैक्सेबल ट्रांसफर, ये सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद जो आप सेलिंग प्राइस लेंगे या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो लिया जाएगा, एफवीसी, वो होगा द वैल्यू ऑफ शेयर्स, या लिख दो यहां पे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कॉस्ट तो आपको पता ही है द कॉस्ट ऑफ जीडीआर, ठीक है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना देखेंगे आप, 36 महीना देखेंगे। फाइन, और उसके बाद ये टैक्स रेट, आप बोलोगे सर टैक्स रेट क्या होगा इसका, टैक्स रेट एलटीसीजी अगर जा रहे हो तो 112 में करोगे आप, एलटीसीजी में जा रहे हो तो 112 में, एसटीसीजी अगर होगा तो नॉर्मल टैक्स रेट, एलटीसीजी 112, एलटीसी में मैंने क्या लिखा, टैक्स रेट के नीचे एलटीसीजी 112, एसटीसीजी में क्या लिखेंगे हम लोग, आप लोग लिख दीजिए नॉर्मल, मैंने लिखा है नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल टैक्स मैंने लिख दिया। नॉर्मल टैक्स फाइन स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आखिरी वाला पॉइंट रह गया एडीआर और जीडीआर का, ये बस कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। फिर आखिरी वाला पॉइंट स्टूडेंट्स ये है कि आपने ये एडीआर और जीडीआर को अब आगे क्या करना स्टूडेंट्स, ये सॉरी, अब तो आपको शेयर्स मिल गया, शेयर्स मिल गया ना, अब आपको वो एडीआर और जीडीआर के बदले आपको शेयर्स मिल गया, कन्वर्जन पे लेकिन टैक्स लगा था आपको, कन्वर्जन पे लेकिन टैक्स लगा था आपको, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर एडीआर और जीडीआर को बेच दोगे, सो दैट विल बी अ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। तो क्योंकि एक ट्रांसफर होगा इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो अब आप नोटिस करना क्या है,
लास्ट वाला पॉइंट में स्टूडेंट सेल ऑफ शेयर्स, लास्ट वाले पॉइंट में सेल ऑफ शेयर्स। तो उस सिचुएशन में सेल ऑफ शेयर्स अगर होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, जल्दी बताओ सेल ऑफ शेयर्स। लास्ट वाले पॉइंट में मैं लिख रहा हूं सेल ऑफ शेयर्स। अब मुझे बता दो स्टूडेंट सेल ऑफ शेयर्स में क्या लिखेंगे, जीडीआर को एक्सचेंज करके उसको मिल जाता शेयर्स, तो ऐसे केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस रिसीव्ड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेलिंग प्राइस रिसीव्ड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? लॉजिकली सोचो, अगर ये एग्जेम्पशन होता, मतलब कि अगर मैं जब रिडेम्पशन करता था ऑफ जीडीआर इनटू द शेयर्स, अगर उस पर मुझे 47 का अगर एग्जेम्पशन दिया जाता, इफ आई वुड हैव गॉट द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 47, तो फिर स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता था, मुझे फिर जब सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अगर मैं करता, तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ The asset would have been the cost of the previous asset. आपको तो पता ही है, आपको पता ना equity shares को बेचता हूं मैं, फिर बाद में मेरे लिए cost क्या होता है, the cost of the previous asset, यही हो जाता है। वो जो आप देखते हो previous asset preference shares या previous asset debentures, क्योंकि मुझे उसके redemption के time पे मुझे exemption मिला था, यही हम लोगों ने सीखा है capital gains में। लेकिन इस केस में जब आपने रिडेम्पशन किया था एडीआर और जीडीआर को टू रिसीव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो क्या आपको एग्जेम्पशन मिला था? नहीं मिला था, तब तो आपको टैक्स लग चुका था। तो ऐसे वजह से, इस वजह से इसमें जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, सो द कॉस्ट विल नॉट बी द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस एसेट, द कॉस्ट विल बी, बताइए क्या कॉस्ट होगा इसमें, द कॉस्ट विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पे आपने क्या किया, कैपिटल गेन्स का चार्ज लग चुका था आपको ऑन रिडेम्पशन ऑफ दी एडीआर एंड जीडीआर। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन अडॉप्टेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ एडीआर एंड जीडीआर, ये होगा आपका कॉस्ट। सो दिस वुड बी द कॉस्ट एंड देयरफॉर आपका अब क्या बन जाएगा, द कैपिटल गेन्स। सो दिस वुड बी द कैपिटल गेन्स इन दिस रिगार्ड, सेल ऑफ द शेयर्स में ये होगा आपका कैपिटल गेन्स। अच्छा, शेयर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग यहां पे ध्यान रखना, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, क्योंकि ये सारे जो शेयर्स है ये लिस्टेड होंगे शेयर्स जो आपको मिला रहेगा, क्योंकि वो लिस्टेड शेयर्स का आप एडीआर और जीडीआर जारी करवाते हो, और अगर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो उसकी एलटीसीजी अगर होगी तो आपको पता होगा LTCG 112A में जाएगा, ये 112A में 10% का है, और अगर ये STCG वाला है, क्योंकि ये कौन सी होगी, शेयर्स भी अगर होगा तो लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वाला केस होगा, ये इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वाला केस होगा ये, और ये STCG अगर होगा तो 111A में 15%। आप बोलोगे लेकिन अनलिस्टेड होगा तो, अरे भाई ऐसे छोटे मोटे कंपनियां का नहीं लिया जाता ADR GDR, कि कोई प्राइवेट लिमिटेड अपना ADR और GDR वहां पे US के स्टॉक एक्सचेंज में दे रहा है, सेबी अलाउ ही नहीं करेगी। तो यहां का जो लिस्टेड होगा वो भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जिस कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है उसी को इजाजत दी जाती है कि जाइए आप इक्विटी फाइनेंसिंग बाहर से रेज कर सकते हैं। तो जब वो कन्वर्ट करेगा अपना ADR और GDR टू रिसीव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो वो किस टाइप का शेयर्स है, शेयर्स विच इज लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और इसी वजह से क्या उसका अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये इश्यू हुआ है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, और इसी वजह से इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर होगा तो 112A के अंदर चार्ज होगा, और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो ये 111A के अंदर चार्ज है। दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी कंसिडर्ड। आइए स्टूडेंट अब लास्ट पॉइंट हम लोग कर लेते हैं और कंप्लीट हो गया फिर आपका ये, और फिर ट्रांसफर प्राइसिंग की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आपका लास्ट पॉइंट स्टूडेंट होगा
the टैक्सेशन ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII पे। बेहतरीन क्वेश्चन आपके MTP भी मैंने डाला हुआ है, सेम MTP, तो वहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आखिरी पॉइंट है। FII पे इस पे अमेंडमेंट ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट आपको पता नहीं है और घायल हो जाओगे सबके सब एग्जामिनेशन में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो जनरल इनिशियल बातें हैं कि इनकी जो टैक्सेशन होगी वेरियस इनकम है, ब्रॉडर तौर पे बता देता हूं आपको। एक तो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, बिल्कुल दीक्षिता 12 महीना है उसका, समाधान बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, दीक्षिता का आंसर सही है, ठीक है, वो FMB आपने जो बताया वो सही था, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट में यहां पे एक 5% वाला है और एक 20% वाला है। 5% वाला वही है रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यही जो हमने देखा था कल मालूम है, ये सब पॉइंट हमने देखा था कल सेक्शन 115A में। और अदर्स पे 20%। तो ये इंटरेस्ट की टैक्सेशन ये FII का इस रेट पे की जाती है, फाइन। STCG अगर है उनका, STCG अगर है, और STCG किस पे, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड शेयर्स, तो उसको बेनिफिट मिलेगा 111A का। और अनलिस्टेड अगर होगा, अनलिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तो इनमें जो है उन्हें 30% का टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, लिस्टेड शेयर्स हुए, टेन परसेंट, 112A, 10%। और ये जो अनलिस्टेड होगा, अनलिस्टेड शेयर्स, बॉन्ड और डिबेंचर्स, ये भी जो है स्टूडेंट्स, ये भी 10% है। लेकिन लिस्टेड जो होगा ये ध्यान रखना, इस पे 112A। आप बोलोगे दोनों में तो 10-10% है तो सेम ही हो गया, कोई स्टूडेंट्स कह सकता है इस बात को लेके कि भाई सर दोनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपने बोला है और दोनों ही लिस्टेड बोल दो या अनलिस्टेड बोल दो, दोनों ही केस में आपने 10-10% बोल दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स, बहुत फर्क पड़ेगा। आप बोलोगे बताओ जरा एलाबोरेट करो क्या फर्क पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा कि आपने 10-10% दोनों जगह पे बोल रखा है, विच देयरफॉर विल इंप्लाई व्हाट, कि अगर 112A के अंदर 10% जब होता है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको पता है 1 लाख का वहां पे एक तरीके से एग्जेम्पशन है, और बाद में नेट अमाउंट पे ही आप क्या करते हो 10% लगवाते हो, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होंगे उन पे तो इस तरीके से 1 लाख का एग्जेम्पशन नहीं मिलता आपको। तो डिफरेंस है ये जानने के लिए कि भाई FII का अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहीं है 112A के अंदर तो चार्ज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो वहां पे चार्ज अगर होगा तो फिर उस पर्टिकुलर केस में आपको 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलके नेट पे क्या होगा 10% का टैक्स लगेगा नेट पे, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स?
अब यहाँ पे इस पे ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो 2 सेक्शन 48 जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो 2 सेक्शन 48 ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो 2 सेक्शन 48 ये एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो 2 सेक्शन 48 विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो 2 सेक्शन 48 विल नॉट बी एप्लीकेबल। डिड यू ऑल गॉट दिस वन स्टूडेंट्स? अब आप मुझे बताओ, एक आज हमने 3 सेक्शन देखे थे, एक तो एनआरआई का जिसमें मैंने क्या बताया कि फर्स्ट प्रोवाइजो वहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, फर्स्ट प्रोवाइजो वहां पे एप्लीकेबल है एनआरआई का, अलग बात है कि एग्जामिनेशन में डेटा नहीं मिलता हमें, ये एक बहुत दुखद घटना होती है। दूसरा, एडीआर जीडीआर में जब देखा हमने कि क्या हो रहा है, एडीआर और जीडीआर ट्रांसफर किया जा रहा है, कौन किसको कर रहा है, बाय अ नॉन रेसिडेंट टू अ रेसिडेंट, क्योंकि तभी तो सिर्फ टैक्स होता है, तो उसमें भी हमने देखा था कि फर्स्ट एंड द सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 इज नॉट एप्लीकेबल। उसमें भी हमने देखा था कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल। और यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जब हम लोग यहां पर भी देख रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल। ये चीज बस ध्यान रख के चलना स्टूडेंट्स। तो नेट कंक्लूजन यही है कि एनआरआई वाले चैप्टर में जो एनआरआई वाला केस था उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में फर्स्ट प्रोविजो इज एप्लीकेबल, बाकी जो दोनों ही केस था एडीआर जीडीआर का और ये एफआईआई का, उसमें जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजो इज नॉट एप्लीकेबल। ये चीज आप लोग दिमाग में बना के चलना। विद दिस नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये कंप्लीट हो चुका है, अब मैं आपको बताता हूं दी अमेंडमेंट। अब मैं आपको बताता हूं दी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है ये आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ये सरचार्ज आपको पता है, सरचार्ज क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये जो कैटेगरी है ना पर्सन की, उसमें अब आपको पता है कि देर आर 4 रेट ऑफ सरचार्ज, 4 रेट है सरचार्ज की। बताइए वो 4 रेट क्या है सरचार्ज का। एक, 10%, 50 लाख के ऊपर जाता है अप टू ₹1 करोड़, तो ये 10% का सरचार्ज का रेट है। दूसरा रेट है 1 करोड़ से ऊपर अप टू ₹2 करोड़, बताएं वो रेट कितना लगेगा, 15% का। फिर बाद में 15%, फिर बाद में मोर देन ₹2 करोड़ टू अप टू ₹5 करोड़, उसके लिए ये कैटेगरी वाले पर्सन को सरचार्ज लगेगा 25% का। एंड देन फाइनली, फाइनली व्हाट, फाइनली 5 करोड़ के ऊपर अगर ये जाता है उनका टोटल इनकम तो फिर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 37%। ये इनका कैटेगरी बना दिया है। अब वही होता है ना स्टूडेंट्स, देखिए कितना गलत अप्रोच होता है सिखाने का। ये जब सरचार्ज आया था ना तब सबसे नाराज हुआ था एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो बहुत नाराज बिगड़ गए थे एक तरीके से, बोल रहे कि ये क्या कर दिया आप लोगों ने, आप बेकार का बस हमारे ये बेबूते कि टैक्स तो आप कॉन्सेंट रख रहे हो, पूरी गेम आप खेलते हो सरचार्ज में, और आप इनडायरेक्टली आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि हमारा जितना इनकम हो है हम तो 5 करोड़ के ऊपर ही जाने वाले। तो आप, और ध्यान रखना एफआईआई का स्टेटस है एओपी बीओआई का, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये एओपी बीओआई के स्टेटस से असेस किए जाते हैं, ये कोई कंपनी वंपनी नहीं है प्राइमरली। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है ये अपने आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये अपने आप में क्या है, एओपी एंड बीओआई का स्टेटस रखते हैं। तो इन्होंने बोल दिया था कि अच्छा इसका मतलब कि ये हमारा इनकम तो 5 करोड़ के ऊपर तो हमेशा जाता ही है, तो आप बस बेवकूफ बना रहे हो कि जो टैक्स रेट आपने डाला है, क्योंकि इनके इनके हाथ में जनरली क्या लगता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की हाथ में जनरली क्या लगता है, उनके हाथ में लगता है दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एंड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यही लगेगा, और डिविडेंड इनकम, यही चीज तो उनके हाथ में लगता है। तो जब वो उन्होंने ये बोला कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हो, क्यों, हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो है वो रेट तो चलो फिक्स है,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होगा तो 112A में जाएगा, क्योंकि इनका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ये जनरली इन्वेस्ट करते हैं जनरली, ठीक है। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, तो वो बोल रहे कि हमारा वहां पे तो कम रेट है, 10% है, 15% है, ऐसे कम रेट में हम लोग रहते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने सरचार्ज 37% कर दिया क्योंकि उनका इनकम तो 5 करोड़ के ऊपर ही जाने वाला है। तो आपने गेम खेलते हो कि भाई आप ये 10% 15% का हमें लालच दिखाते हो और हम लोग अटक जाते हैं आपके स्टॉक मार्केट में, 10% और 15% देख के हम आते हैं आपके स्टॉक मार्केट में, और फिर आप एवरी बजट में कहाँ पे छेड़खानी कर रहे हो, सरचार्ज पे कर रहे हो, और बाद में जब इंटरनेशनली जब जाते हैं ना बोलने के लिए, हमारी कंट्री में टैक्स रेट है सिर्फ 10% 15%, लेकिन आगे के बारे में आगे की बात नहीं बोलेंगे, आगे की बात तो बताओ क्या है, सरचार्ज कितना है, सरचार्ज तो आपका टैक्स रेट से भी ज्यादा है। तो ऐसे माहौल में प्राइमरी इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपना विड्रॉ करना चालू कर दिया, गवर्नमेंट को इसकी भनक लग गई और तुरंत ही उन्होंने ये अमेंडमेंट डाला है। तो जब अमेंडमेंट डाला था, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन्होंने FII को सोच के डाला था, लेकिन क्योंकि FII किस दर्जे में आता है, AOPBOI, तो बाय डिफॉल्ट क्या है, सबको वो कैटेगरी में कौन कौन लोग और शामिल है, वो कैटेगरी में और कौन कौन लोग और शामिल है, इंडिविजुअल, HUF, AOPBOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वो पूरे कैटेगरी को क्या है, ये ब्लैंकेट बेनिफिट उस रिलीफ का मिल गया। रिलीफ क्या है आपको पता ही है, ये रिलीफ क्या है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को पता ही है, मैं फिर भी आपको रिपीट करता हूं क्या रिलीफ है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो नॉर्मल सरचार्ज है उससे कोई डर नहीं है, 10% और 15% वाला डर है, वो 25 और 37% वाला। तो आपने स्टूडेंट्स ये देखना है कि आपको क्या देखना है, कि आपने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ये जो है ना, इसको आप क्या करोगे, ये आप इसको रिड्यूस करोगे फ्रॉम ए टोटल इनकम, फ्रॉम टोटल इनकम, ठीक है। और इसको रिड्यूस करने के बाद क्वेश्चन पूछना है वेदर दी नेट टोटल इनकम एक्सीड ₹2 करोड़ और 5 करोड़, ये क्वेश्चन आपने पूछना है। और अगर आप बोलते हो दो ही होगा, पहले बोल दो नो, दो ही होगा, यस बोल दो या नो बोल दो, या तो होगा यस या आंसर आपका होगा नो। अगर आपका आंसर है नो तो फिर नॉर्मल सरचार्ज रेट, ऑन दी टैक्स, नॉर्मल सरचार्ज रेट, और नॉर्मल सरचार्ज रेट क्या है आपको पता ही होना चाहिए, 10% का है अगर वो 50 से 1 करोड़ के बीच में, या फिर 15% का है अगर वो 1 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। नॉर्मल सरचार्ज रेट ऑफ 10 to 15% ऑन दी टैक्स ऑन द एंटायर टोटल इनकम, ठीक है, वो लगेगा। और अगर आप यस बोलते हो, यस का मतलब क्या है कि इनको रिड्यूस, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज है, उसको रिड्यूस करने के बाद भी मेरा जो नेट टोटल इनकम है, मेरा जो नेट टोटल इनकम है वो 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है, तो फिर उस केस में स्टूडेंट्स, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोलोगे, यहां पे ऑन द टैक्स, ऐसा करेंगे आप लोग, इसको ऐसा लिखो, द टैक्स ऑन द नेट टोटल इनकम, द टैक्स ऑन द नेट टोटल इनकम इस पे सरचार्ज एट 25% और 37% ऐसे केस में भी, और दूसरा द टैक्स ऑन, ये नेट लिखा है मैंने, नेट टोटल इनकम, ठीक है, तो ये नेट टोटल इनकम है, ध्यान रखना,
द टैक्स ऑन एसटीसीजी और एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, इस पे जो होगा सरचार्ज एट 15%, सरचार्ज एट 15%। आप बोलोगे 10% क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि भाई 1 करोड़ के तो ऊपर ही है ना, क्योंकि उसका टोटल इनकम वैसे ही 2 करोड़ के ऊपर चला गया, 2 करोड़ और 5 करोड़ के ऊपर है। ठीक है, ये आपको करना है। इस पे एक क्वेश्चन भी है एफआईआई का, जो एग्जामिनेशन में ऐसे ही पूछेंगे। आप सभी लोगों ने इंडिविजुअल को देख के पढ़ा है कि ये इंडिविजुअल के लेवल पर है, और आईसीए एग्जामिनेशन में किस पर आएगी, जिस पे अमेंडमेंट ये बना था, ये बना किस पे था, एफआईआई पे। इंडिविजुअल तो वैसे ही डिफॉल्ट में उसको बेनिफिट मिल गया, वो बेनिफिट का हिस्सेदारी उसको मिल गई। क्यों? क्योंकि वो पूरा जो कैटेगरी है टैक्स रेट का, वो किसको एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। तो अमेंडमेंट लाया गया था एओपी बीओआई को सोच के, एफआईआई को सोच के, जिसका दर्जा बनता है एफआईआई का, और उसके वजह से क्या हो गया, वो पूरा का पूरा वो कैटेगरी है उसको बेनिफिट मिल गई। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो आपको इंडिविजुअल पे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आएगा एग्जामिनेशन में एफआईआई पे को लेके, और उस पे ये इस तरीके से गेम खेली जाएगी। तो ये थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है इस सिचुएशन को लेके। अब इसी पे एक क्वेश्चन डाला गया है, तो चलिए इजाजत हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से जल्दी, और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, डिस्कस कर लेंगे वो क्वेश्चन को। ठीक है रोहित, एमटीपी आप कर लो, क्योंकि एमटीपी अभी वाले टाइम पे ना, एमटीपी आप कर लेंगे ना, वो सबसे बढ़िया होगा फॉर ऑल ऑफ यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने बेहतरीन क्वेश्चन रखा हुआ है, एट दिस स्टेज यू शुड बी डूइंग एमटीपी। 7 एमटीपी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि दिक्कत है वही चीज, कंपाइलर पे भी भारत लॉस का ही कॉपीराइट है, बट एमटीपी आई एम टेलिंग यू, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपने फिर जहां से भी कुछ भी सॉल्व किया होगा, डू दिस एंड यू विल रियलाइज द काइंड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। तुरंत ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। कंपाइलर आप अभी नहीं परचेस करेंगे, पर लॉकडाउन तो ओपन हो जाए, भारत लाहौस से ही आपको परचेस करना। लेकिन जिसका जुलाई, मैं भी बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखिए एक एक सिंपल चीज़ है और रियलिस्टिकली सोचो, जिसका जुलाई अटेम्प्ट है ना, वो प्लीज़ अब नहीं, एमटीपी कर लो बस, जो जुलाई अटेम्प्ट है। नवंबर वाला जो बच्चा होगा वो आगे सोच सकता है कि वो कंपाइलर भी देख ले और ये भी देख ले, पर जो जुलाई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इतने श्योरिटी के साथ, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। जो नवंबर वाले बच्चे हैं वो कंपाइलर भी देख सकते हैं और ये एमटीपी भी देख ले, एमटीपी तो देखना ही है प्लस कंपाइलर, तो ये सब चीज देखें, ताकि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं, ये करने के बाद भी अगर पेपर आपको आपको लगता है टफ, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं पूरे इंडिया में ये उनको 3 बार टफ लगता होगा, तो वो लेवल के ये बड़ी तैयारी है कि वो लेवल के क्वेश्चंस और वो लेवल के प्रिपरेशंस रखे गए हैं स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो अगर ये होने के बाद भी, ये एमटीपी इसको सॉल्व करने के बाद भी 2 या 3 बार आपको पेपर अगर टफ लगा एग्जामिनेशन का, मैं आपको बता रहा हूँ बाकियों को 10 बार टफ लगता रहेगा, 10 टाइम्स दे वुड हैव फेल्ट द क्वेश्चन पेपर टू बी डैम टफ। वो लेवल के अल्टीमेटली क्वेश्चन है, और आपका ए टू जेड कवरेज हो जाएगा सब चीज को लेके, उतना एश्योरेंस मैं दे रहा हूँ आपको। अब स्टूडेंट जरा जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। SQL INC dot a notified foreign institutional investor। अब ये देखो एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये आया था, लेकिन अब ये अमेंडमेंट के बाद, ये जो सरचार्ज, एनहांस सरचार्ज के बाद इसका सोल्यूशन कैसे आएगा वो मैं बस आपको बता रहा हूं, जल्दी से बता दूंगा। तो इसमें स्टूडेंट्स SQL INC dot a notified foreign institutional investor and assess like an AOP।
तो ये असेस होता है एज व्हाट, एज एन एओपी। डिराइव द फॉलोइंग इनकम्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। पॉइंट नंबर वन, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज 2,80,50,000। एक्सपेंस ऑन दिस वन इज 50,000, ठीक है। इसमें से द अबव इनकम इंक्लूड्स द इंटरेस्ट ऑफ ₹16 लाख रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ वॉट, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड एंड डिविडेंड इनकम ऑफ 3,50,000 फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी रेफर्ड इन 115। तो वॉट विल हैपन, डिविडेंड इनकम जो 3,50,000 का जो है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा 1034 में। और ये जो आपने अभी भी देखा रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड वाला जो 16 लाख का है उस पर आपको 5% का टैक्स लगेगा। बैलेंस जो बच जाएगा बैलेंस जो बच जाएगा उस पर आपको कितना लगेगा, 20% का। क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो जो एक्सपेंडिचर है, करस्पॉन्डिंग जो एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है, क्या आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उसकी रीजंस भी आपको पता है क्यों नहीं हम आपको डिडक्शन देंगे। आइए अगले उसमें देखते हैं, पॉइंट नंबर टू में कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन्स में नोटिस करना स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म सेल प्रोसीड ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज 15th of January 2020 52 लाख, परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ये आपको दिया गया 28 लाख। इंडेक्सेशन वाली पॉइंट भी दी गई है स्टूडेंट्स, इंडेक्सेशन वाली पॉइंट भी दी गई है, ठीक है। आगे जाकर एक बार शॉर्ट टर्म देखने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, देखो आईसीआर कैसे गेम खेलती है, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट नंबर टू। लेकिन अब क्योंकि सरचार्ज का एंगल है तो कैसे सरचार्ज लगेगा वो बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट एरिया है। पॉइंट नंबर टू में आ जाओ, शॉर्ट टर्म में सेल प्रोसीड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी ए, कभी बेचा आपने इसको, जनवरी 2020 को बेचा है, ठीक है। 13.5 लाख का इसका ये सेल प्रोसीड है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगस्त 2019 का है 5,50,000 रुपए का। आगे सेल प्रोसीड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी, सेल प्रोसीड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी दिसंबर में बेचा आपने 9,25,000 का। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस पे एसटीटी आपने पे नहीं किया है, एसटीटी नॉट पेड ऑन कंपनी बी शेयर, ये आपका है स्टूडेंट्स कभी का है इन दिस कॉन्टेक्स्ट 4,85,000। अब स्टूडेंट्स यहां पे आपको मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं, एसटीटी पे करना ये आपको पता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वालों के लिए भी एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि एसटीटी पे करना उनके लिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि अगर आप एसटीटी पे नहीं किए रहेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो कंसेशनल रेट है 111A का 15% का वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा, हैजंट इट। तो उस बेनिफिट को अगर आपको लेना है तो जरूरी होगा कि आपकी एसटीटी पे की गई हो, तब जाके वो बेनिफिट हम आपको दे सकते हैं। अब पॉइंट क्या है कि आपको एक वाले केस में एसटीटी पे किया गया और दूसरे वाले केस में एसटीटी पे नहीं किया गया, तो जो केस में एसटीटी पे किया गया वो 111A आप देख रहे हो 8 लाख का डिफरेंस है, 13.5 लाख और 5.5 लाख, तो 8 लाख का डिफरेंस हो गया। उस 8 लाख के डिफरेंस में आप 15% का 111A का रेट लगवाओगे, और जो दूसरे केस में सेल प्रोसीड ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी 9,25,000 उसमें आपको बताया जा रहा है कि एसटीटी पे नहीं हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि 111A का जो 15% का जो रेट है उसकी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगी। और अगर नहीं मिलेगी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या लिखवाया था कि फिर उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट एट 30% इसका टैक्स किया जाएगा, 30% के रेट पे वो टैक्स होगा, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी कंसिडर्ड। अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, ऊपर वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 52 लाख ये है, और फिर उसके बाद परचेज कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी 28 लाख, आपको बताना है कि क्या वो 52 लाख एंड 28 लाख क्या ये लिस्टेड का माना जाए या अनलिस्टेड का माना जाए। कहने का मतलब ये है कि क्या हम ये मानेंगे कि क्या उस पे एसटीटी पे की गई है या नहीं की गई है, जल्दी बताओ। पॉइंट नंबर वन वाले लॉन्ग टर्म पे, जो लॉन्ग टर्म है ऊपर उस पे क्या माना जाएगा, एसटीटी पे हुआ है या नहीं हुआ है, जो सेल प्रोसीड 52 लाख है ना
परचेज कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज 28 लाख, उस पर क्या हम समझ के चले कि क्या एसटीटी पे हुआ है या नहीं हुआ है? क्वेश्चन को भापते हुए लिखा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को अभी आपको इसको ये करना होगा भाई, कंज्यूम करना होगा कि भाई क्या समझे अभी, वेदर एसटीटी हैज बीन पेड और नॉट। जल्दी सब लोग आंसर दें। सब के सब स्टूडेंट्स आंसर देंगे। तो सब लोग ये कह रहे हैं कि एसटीडी पेड हुआ है, ये अजम्पशन ले लिया जाए, ठीक है, लेकिन आईसीए ने एसटीटी पे नहीं हुआ है ये अजम्पशन लिया गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेकिन बात सही है, आप लोगों को लेकिन लिखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि एसटीटी पे हुआ है, ये अगर आप बोल के चलोगे, प्लीज अज्यूम करके चलना, क्योंकि आप देख रहे हो ना ओपन आंसर, ये क्वेश्चन से पता चल रहा है इट्स एन ओपन एंड। ये एकदम ही अल्टीमेटली क्या है, गेम उन्होंने पूरा ओपन रख के छोड़ा है ये 1 एंड 2 पे डाल के। तो वहां पे उनकी सोल्यूशन क्या बनी थी, एसटीडी एसटीडी पे नहीं हुआ है, और उन्होंने ये बोला था कि जहां पे एसटीडी की इंफॉर्मेशन दी गई है कि पे हुआ है, तो हमने वो स्पेसिफिकली क्या है वो मेंशन कर रखा है। और ये बात सही भी है, क्योंकि नोटिस करना स्टूडेंट्स, अगर आपको 1 1 2 A के अंदर चलना है, 1 1 2 A के अंदर अगर आपको जाना है ना, तो प्लीज एक चीज को नोट करके चलो, वहां पे एसटीटी का पेमेंट होना जरूरी है, बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल। वहां पे 1 1 2 A में एसटीटी का पे होना जरूरी है, बोथ एट द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल, ये कंडीशन है वहां का। 111 A में तो बहुत आसान हो जाता है, 111 A में तो आपको सिर्फ देखना है वेदर द एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और नॉट, बस उतना ही है, काम कंप्लीट। लेकिन 112 A में तो दोनों एंड पे, परचेज के टाइम पे भी और सेल के टाइम पे भी, अगर एसटीटी पे किया होगा तब जाके ही 112 A का स्पेसिफिक प्रोविजन का बेनिफिट आपको दिया जाएगा। दिस इज व्हाट द प्रोविजन इज ऑल अबाउट। और इसी वजह से क्या, इसी वजह से अजम्पशन वो बनता है कि एसटीटी ऊपर पे नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप जिद कर रहे हो, नहीं, हम तो बस जिद करके बैठेंगे एसटीटी ही पे हुआ है, तो फिर आप 112 A के वो सारे सिचुएशन अज्यूम करो और फिर आप आगे बढ़ाओगे अपनी गेम को, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आईसीआई ने बताया कि भाई एसटीटी पे नहीं हुआ है, तो ठीक है, उसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कैलकुलेट तो करना है ये, और उसमें क्या फर्स्ट प्रोवाइजर टू 48 या ये जो दिया ना ये बेकार का इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो 112 A अगर नहीं भी है, अगर 112 A अगर नहीं भी है तो क्या मैं इंडेक्सेशन दूंगा? एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि 115 AD में भी अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना पड़े एट जो भी किस सॉरी मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कैलकुलेट करना पड़े 115 AD में भी, तब भी क्या होगा, तब भी मैं फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजो का इफेक्ट नहीं दूंगा, और इसका मतलब यह है कि इंडेक्सेशन की भी बेनिफिट नहीं दी जाएगी। और फिर जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आपका बनता है, यहां पे 24 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बनेगा बिना इंडेक्सेशन का इफेक्ट दिए, तो 24 लाख पे क्या हो जाएगा, 10%, 24 लाख पे 10%, एंड दैट एग्जैक्टली हाउ इट वुड बी कंसिडर्ड, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये देखो गेम खेली जाएगी। अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स क्या हुआ है, अब आपका टोटल इनकम अगर आप देखोगे यहां पे, टोटल इनकम इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जिस आप इसमें जब आपको सॉल्यूशन आएगा ना, सॉल्यूशन इसमें आप इसका सरचार्ज द कैलकुलेशन देखना। क्यों सरचार्ज का कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स कि सरचार्ज इसकी वजह से यहां पे आपका 24 लाख है, ये 24 लाख है, यहां पे आपका 8 लाख है, और यहां पे आपका 4 लाख 40 हजार। तो ये वाले वाले केस में 24 लाख, 8 लाख और 4 लाख 40 हजार, तो जो आपका कैपिटल गेन्स ऑन सिक्योरिटीज है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इनमें जो सरचार्ज रहेगा वो क्या लगेगा, नॉर्मल सरचार्ज का रेट लगेगा 15% का। इनमें जो सरचार्ज लगेगा
वो नॉर्मल सरचार्ज लगेगा 15% का, और इस पे जो सरचार्ज जाएगा, किस पे सरचार्ज जाएगा, इस पे, किस पे, 2,80,000 है, उसमें से आप क्या करोगे, 2,80,000 में से पहले तो ये 3.5 लाख ये निकाल दो, तो -3.5 लाख। क्यों 3.5 लाख को निकालने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर आप निकाल दोगे, ये तो एग्जेम्प्टी है ना, तो आपके पास 2,77,00,000 बनेगा, 2.77 करोड़ का ये हो गया आपके पास, तो 2.7 एक्सपेंडिचर का तो वैसे ही डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। तो ये जो इनकम पे जो टैक्स होगा, तो इस पे जो सरचार्ज होगा, बताइए स्टूडेंट, सरचार्ज कितना होगा, इस पे सरचार्ज लगेगा 25% के हिसाब से, इस पे सरचार्ज लगेगा 25% के हिसाब से, और फिर ये जो टैक्स अभी हमने जो नीचे कैलकुलेट किया है, ये जो टैक्स जो हमने हमने अभी नीचे कैलकुलेट किया है, किस पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% ऑन 24 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इस पे हमने 15% लेना है, इस पे 15% लेंगे, और इस पे क्या होगा, इस पे लेंगे आप 30%। तो इन पे जो सरचार्ज लगेगा, इस पे जो सरचार्ज लगेगा, वो सरचार्ज लगेगा 15% के हिसाब से, तो 15% का सरचार्ज इस केस में लगेगा। तो ये जो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे जो शॉर्ट आपका फाइनल टैक्स अमाउंट आएगा, उस पे सरचार्ज आप 15% का ले लेना, और फिर ऊपर वाला जो 2.77 करोड़ का है, उस पे जो टैक्स कैलकुलेट करोगे, आप बोलोगे कि सर कैसे कैलकुलेट करेंगे 2.77 करोड़ पे टैक्स, अरे भाई बताया ना अभी भी थोड़ी देर पहले, ये जो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का 16 लाख है, 2.77 करोड़ में से 16 लाख को कितने रेट पे आप करोगे, 5% पे लगोगे, और बैलेंस जो बचेगा उस पे आप लगवा देना, कितना लगाएंगे आप उस पे, बैलेंस पे आप लगवाएंगे एट 20%, तो वो टैक्स आपका बन जाएगा। तो वो जो 5% और 20% का आप बाद में जो टैक्स का टोटल लोगे, उस टैक्स के अमाउंट पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 25%। और ये जो नीचे वाले जो कैपिटल गेन्स 10%, 15% एंड 30%, उस पे जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया है, उसका सरचार्ज बनेगा 15% का। फिर ये जो टैक्स और सरचार्ज दोनों ही कैटेगरी में सब ऐड करने के बाद, फाइनली आपको 4% का सेस आपको जोड़ना है, तब जाके आपको बनेगी, क्या बनेगी, आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी। आई बात समझ में चुन्नी बाबू? आइए तो जल्दी से बता दो, डिस्कशन खत्म हो चुका है, बताइए जल्दी से, किस्मत वाले हो, जल्दी से निकल जाओ एग्जामिनेशन में, कब मैं एग्जामिनर बन जाऊं और कब आप पे कयामत आ जाए, प्राइमरी कोई नहीं जानता, चलो जल्दी से बता दो जल्दी से, अगर पकड़ में आ गई है आप लोगों को बातें तो। इसका सॉल्यूशन तो वैसे मैं बताया हूँ, अभी बोलो कि उसको पूरा सॉल्व करके दिखाओ, अरे आ जाएगा आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, अभी पूरा का पूरा गेम मैंने कंप्लीट कर दिया, अब इसमें क्या सॉल्व करूँ मैं, और जिसको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं 15 तारीख को तो आ ही रहा है, टेलीग्राम में डाल दूंगा सॉल्यूशन इसका, ठीक है। अब चलो स्टूडेंट्स ब्रेक ले लेते हैं, और फिर ब्रेक के बाद कार्रवाई शुरू करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसा करते हैं, अभी अभी एक देखो क्या है, अभी हुआ है 11:33 हुआ है, फाइन, अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स का ब्रेक रखेंगे, ठीक है ना, या तो इसको मैं क्लोज कर दूं सेशन को और फिर नया चालू करूं। ध्रुव किसकी नोट्स की बात कर रहे हो, कौन सी नोट्स की बात कर रहे हैं, और फिर मैंने नया सेशन चालू करें ट्रांसफर प्राइसिंग का, ब्रेक 20 मिनट का ले लो आप लोग, 20-25 मिनट का तो ले लो, अभी 11:34 हो रहा है, 11:34 हुआ है, तो मुझे लगता है कि न्यू सेशन को ऑन करूं कि इसी को रहने दो, आप लोग बता दो, क्योंकि फिर बाद में पता चलेगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग चलेगा, हमें लंच हम लोग लेंगे 2 बजे, 2 से 3, जो क्वेश्चन आपने अभी करवाया है ध्रुव, मेरे एमटीपी में चले जाओ, मैंने ऊपर एमटीपी दिया है, चलो ठीक है, यही मैं रहने देता हूँ, इसी को मैं रहने देता हूँ प्राइमरीली, तो आप लोग
इसी को रहता हूँ, 12 बजे मैं रिज्यूम करता हूँ। 12 बजे न्यू सेशन चालू कर दो फिर। नहीं, वापस स्टार्ट करने में टाइम लगेगा नहीं। 12 to 2 हम लोग रखेंगे एक सेशन, फिर 2 to 3 एक ब्रेक होगा आपका, और फिर 3 to 6 फाइनल रहेगा। ठीक है, चलो मैं न्यू सेशन स्टार्ट करता हूँ इसको बंद करके। नया सेशन 12 बजे, ठीक, ट्रांसफर प्राइसिंग एग्जैक्ट 12 बजे आ जाइएगा स्टूडेंट्स ट्रांसफर प्राइसिंग पे। नोट्स मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग का अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल CA दुर्गेश सिंह, मैं अभी टाइप कर ही देता हूँ, वहाँ पे जाके अभी के अभी ट्रांसफर प्राइसिंग के नोट्स ले लो, अगर आपको मिला नहीं है तो मैं अभी डाल देता हूँ। ट्वेल्व ओ क्लॉक स्टूडेंट्स मिलते हैं।